बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर एंड द न्यू टॉपिक। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग समथिंग अबाउट एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर मार्केट्स। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी तक बात कर चुके हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की और डिटेल्स की। हम लोगों ने डिस्कस किया स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग को, हम लोगों ने ये देखा कि हम इंफॉर्मेशन किस तरीके से गैदर करते हैं और किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, हाउ दे पुट देयर एफर्ट इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर मार्केट शेयर। और डेफिनेटली वो इस चीज के ऊपर भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं। उनका फोकस ये भी होता है कि भाई प्रॉफिट को किस तरीके से मैक्सिमाइज किया जा सके। लेकिन इससे पहले भी आप लोगों से बात हुई थी कि ये जो मार्केट शेयर इंप्रूव किया जाता है, इनहेंस किया जाता है, या इसको जो डेवलप किया जाता है, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जब बात की जाती है तो हरगिज हरगिज क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया जाता, बल्कि वो जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो क्राइटेरियाज होते हैं, उसको इस तरीके से मीट किया जाता है कि विद द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी एक ब्रांड लॉयलिटी लाई जा सके और जो कस्टमर की लॉयलिटी है उसको इंप्रूव किया जा सके। और जो एक कस्टमर या कंज्यूमर है वो एक पर्टिकुलर ब्रांड की बनाई हुई चीजों को रिपीटेडली परचेज करे, सिर्फ वन टाइम नहीं है, रिपीटेडली परचेज करे। भले वो आपके पास कन्वीनियंस आइटम्स हैं जिसमें देर कैन बी अ कैन ऑफ पेप्सी, वहां पर सोप है, वहां पर शैम्पू है, वहां पर हमारे पास टूथपेस्ट है, वहां पर हमारे पास कुकिंग ऑयल है, वहां पर हमारे पास और बहुत सारी चीजें हैं। और अगर हम लोग थोड़ा सा ड्यूरेबल्स की तरफ मूव करते हैं या बड़ी प्रोडक्ट्स की कमोडिटीज की तरफ मूव करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जी ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, जैसे टेलीविजन है जी, इसी तरीके से फूड फैक्ट्रीज होती हैं, या हम कह सकते हैं जी ब्लेंडर्स होते हैं, हमारे पास जूसर्स होते हैं, और वो तमाम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स डिफरेंट कंपनीज मार्केट में बना रही हैं जी। इसके साथ अगर हम थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करते हैं तो हम बात करते हैं जी ऑटोमोबाइल्स की जी। ऑटोमोबाइल्स में भी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस ये कोशिश करती हैं कि मैक्सिमम क्वालिटी अपने कंज्यूमर को, कस्टमर को ऑफर करें ताकि वो एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू अपनी कम्युनिटी में वो लोग जिनके साथ उसका इंटरेक्शन है वो उनको इन्फ्लुएंस कर सके कि भाई यही मॉडल या यही पर्टिकुलर ब्रांड आपको खरीदना है या परचेज करना है। तो थोड़ी सी आज हम लोग लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दैट हाउ कंज्यूमर मार्केट्स कैन बी एनालाइज। सबसे पहले बात हम लोग करते हैं, लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन विद कंज्यूमर बिहेवियर, द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स, एक पर्सन जैसे मैं हूं, आप हैं, आपके पेरेंट्स हैं, भाई बहन, वो इंडिविजुअल्स में आ जाते हैं, ग्रुप्स हैं जी, एंड ऑर्गेनाइजेशंस ग्रुप्स से, कि आप तीन चार दोस्त इकट्ठे होकर किसी रेस्टोरेंट के ऊपर जाते हैं, आप तीन चार दोस्त इकट्ठे होकर डिस्कशन करते हैं कि जी किसी एक को मोबाइल परचेज करना है तो वो कौन सा मोबाइल परचेज करेगा। एंड ऑर्गेनाइजेशंस, ये कंपनीज की भी बात होती है जी। जैसे हम लोगों ने इससे प्रीवियसली एक एग्जांपल हम लोगों ने दो या तीन दफा रिपीट की थी कि एक पर्टिकुलर मोबाइल मैन्युफैक्चरर वो किसी मल्टीनेशनल को अप्रोच करता है जी, वो श्लम्बर्जर को कह देते हैं जी, ब्लैकबेरी वाले, कि प्लीज परचेज अवर मोबाइल फोन जी, आप हमारा मोबाइल फोन, उनके साथ एक कॉर्पोरेट डील कर लेते हैं और वो कमोडिटी जो मार्केट में जिस रेट के ऊपर अवेलेबल है वो उसके अंदर उस अमाउंट को रिड्यूस करते हैं और उसके ऊपर कोशिश ये करते हैं कि एक ही जगह के ऊपर जब सेलिंग होगी तो वो उनको फिर उसके ऊपर मार्केटिंग कैंपेन्स या उस तरीके से उसके ऊपर और एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो एक ही जगह के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ सेट्स कैन बी सोल्ड वेरी इजीली जी। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशंस को भी जी डे टू डे ऑपरेशंस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, स्मूथली रन करने के लिए दे नीड सर्टेन प्रोडक्ट्स। जैसे स्टेशनरीज की बात होती है, उनको पेंस चाहिए होते हैं जी, उनको स्टेपलर्स चाहिए होते हैं, उनको परफोरेटर्स चाहिए होते हैं, पेपर्स चाहिए होते हैं, प्रिंटर्स चाहिए होते हैं, लैपटॉप्स चाहिए होते हैं, और बहुत सारी कमोडिटीज उनको रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये तीन लोगों की बात की हुई है, ये तीन हमारे पास कोहोर्ट या ग्रुप्स की बात की जिसमें इंडिविजुअल्स हैं, ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस। और दोबारा कहूंगा कि जी इसमें देर आर फोर फेजेस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर जी, हम लास्ट लेक्चर में भी बात कर चुके हैं। इसमें सबसे पहली बात आती है जी सिलेक्शन की, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये प्री परचेज डिसीजन होता है।
जब कोई चीज खरीदनी होती है तो भले वो इंडिविजुअल हो या ऑर्गेनाइजेशन हो जी, तो वो क्या करते हैं कि वो थोड़ा सा मार्केट का एनालिसिस करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। जैसे मोबाइल फोन आप परचेज करने जाते हैं तो आप कहते हैं जी हमारे पास एप्पल आईफोन है जी, मेरे पास सैमसंग की ऑप्शन मौजूद है जी, एक और अल्टरनेटिव हुवावे के नाम से है जी, इसी तरह से नोकिया के नाम से है, क्यू मोबाइल है, या और डिफरेंट मोबाइल कंपनीज जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। उसके बाद आप उनके फीचर्स को डिटेल में देखते हैं जी, आप अपने फ्रेंड्स को कंसल्ट करते हैं, अपने पेरेंट्स को कंसल्ट करते हैं, आप अपना बजट देखते हैं जी, आप रिव्यू स्टडी करते हैं, तो ये सारे के सारे प्री परचेज डिसीजन में आ जाते हैं जी। देन सेकेंड आप क्या करते हैं जी, वंस यू आर सेटिस्फाइड विद अ पर्टिकुलर ब्रांड, यू वेंट टू द मार्केट और आप क्या करते हैं कि पैसे देकर वो पर्टिकुलर मोबाइल सेट परचेज कर लेते हैं। वंस यू परचेज द मोबाइल फोन, वंस यू एक्वायर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, तो आप सेकेंड फेज में यू स्टार्ट यूजिंग इट जी, आप उसके डिफरेंट फीचर्स को एवेल्युएट करते हैं, आप उसका बैटरी टाइम देख लेते हैं, आप उसका रेजोल्यूशन देखते हैं, आप उसके कैमरा को, उसकी जो पिक्चर क्वालिटी है उसको देख लेते हैं, और डिफरेंट फीचर्स आप अपने दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ, या अपने जो और लोग होते हैं आप उनके साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ उसके फीचर्स को शेयर करते हैं। यू स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम देम एंड यू कीप ऑन टेलिंग देम द एडिशनल फीचर्स, और फिर आप उसके ऊपर अपना एक ओपिनियन फॉर्म करते हैं। अगेन वो फिर तीन फेजेज आ जाते हैं, वेदर यू आर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद दैट पर्टिकुलर मोबाइल सेट जी, तो आप कहते हैं कि जी ये इट इज फार फार बिलो माय एक्सपेक्टेशंस जी। सेकंड आप कहते हैं जी ओके इट्स सो सो जी, इट मीट्स माय एक्सपेक्टेशन जी, एंड द थर्ड थिंग इज दैट दैट पर्टिकुलर कंपनी मैन्युफैक्चर्स समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन, आप कहते हैं जी मेरी तो तवक्कुआ से कहीं ज्यादा बढ़ के, सो दैट्स व्हाई आई एम क्वाइट हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर कमोडिटी, और उस केस के अंदर डेफिनेटली आप दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करते हैं, उनको पुश करते हैं, आप पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के साथ उनको बताते हैं या स्प्रेड करते हैं पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के भाई यही आइटम परचेज करो और इसी पर्टिकुलर ब्रांड की आइटम्स को आप परचेज करेंगे, यू विल बी मोर हैप्पी, यू विल बी मोर सेटिस्फाइड जी। एंड द लास्ट थिंग इज जी डिस्पोज ऑफ जी, वो मोबाइल फोन आप आफ्टर 2-3 years 1 year जब मार्केट में आप कहते हैं जी ठीक है दैट्स मोर देन एनफ, मैंने इसको 1 साल यूज किया या मैंने इसको 3 साल यूज किया, सो लेट्स गो टू द मार्केट एंड लेट्स ट्राई टू सेल इट जी, इसको सेल कर दूं या मैं इसको अपने छोटे भाई बहन या मैं अपने किसी छोटे कजन को दे दूं, तो वो डिस्पोज ऑफ, ऐसा नहीं कि आप उसको उठा के किसी ट्रैश में फेंक देंगे जी, ऐसा नहीं है कि आप उसको उठा के, मैं इसको रिपीट करूंगा, ऐसा नहीं है कि आप उसको ट्रैश कर देंगे जी, आप ये देखते हैं कि आपने इसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है। इसमें एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि एक पर्टिकुलर आइटम जितना ज्यादा एक्सपेंसिव होता है उसका डिस्पोजल उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंज्यूमर या क्लाइंट के लिए जी। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बात की थी, जैसे पाकिस्तान में सुजुकी, टोयोटा, होंडा, उसकी रीसेल वैल्यू है जी, लेकिन क्या फिएट की रीसेल वैल्यू है, क्या वो लोग जो फोर्ड इंपोर्ट करते हैं क्या जब वो उसको सेल करना चाहते हैं तो वो उतना ही, तो वो सुजुकी, टोयोटा और होंडा की तरह ही एक हॉटकेक होता है, डेफिनेटली नॉट जी, तो डिस्पोजल बहुत बड़ा इशू बन जाता है जी उनके लिए। सो जो डिस्पोजल है वो भी एक कस्टमर कंज्यूमर की एक प्रायोरिटी होती है या एक प्रेफरेंस होती है कि कन्वीनियंटली उसको डिस्पोज ऑफ किया जा सके। सो ये तमाम, दीज आर द फोर फेजेस जी। अगेन इसमें फिर बात हुई है जी गुड्स की, बात की है सर्विसेज, आइडियाज और एक्सपीरियंसेस टू सेटिस्फाई देयर नीड्स और वांट्स जी, तो वो तमाम चीजें जो आपकी जरूरियात है जी उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होती हैं उनको हम इन फोर फेजेस के अंदर उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उनको लेकर चलते हैं। ये कंज्यूमर बिहेवियर किस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि जी इसको ये शेपअप कैसे होता है, तीन मेजर फैक्टर्स हैं जी इसके अंदर, एक कल्चरल फैक्टर है, सोशल फैक्टर है और एंड द वन इज पर्सनल फैक्टर जी। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग विद कल्चरल फैक्टर। कल्चर क्या चीज होती है, कल्चर इज द फंडामेंटल डिटरमिनेंट ऑफ अ पर्सन्स वांट्स एंड बिहेवियर, इट कंप्राइजेस ऑफ आइडियाज, कस्टम्स एंड सोशल बिहेवियर ऑफ पर्टिकुलर पीपल और सोसाइटी जी। जैसे पाकिस्तान में आप देखते हैं कि हमारे यहां शलवार कमीज का रुझान है जी, अगर आप अरब कंट्रीज में जाते हैं तो वहां पर उनका जो वो लॉन्ग उसको ड्रेस है जिसको वो अपनी लैंग्वेज के अंदर उसको कोई नाम देते हैं,
तो जी वो जो पूरा गाउन सा वो पहनते हैं जी, वो वहां पर वो ट्रेडिशन है। यूरोप में आप चले जाते हैं तो पेंट शर्ट का रुझान हम लोगों को मिलता है। तो ये तमाम के तमाम, मैं स्लाइड को रिपीट करूंगा, कल्चर इज द फंडामेंटल डिटर्मिनेंट ऑफ अ पर्सन्स वांट एंड बिहेवियर। इट कंप्राइजेज ऑफ आइडियाज, कस्टम्स एंड सोशल बिहेवियर ऑफ पर्टिकुलर पीपल और सोसाइटी। इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये देखें कि हमारे यहां जो फंक्शंस होते हैं उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है जी, वो कितने ज्यादा रिच होते हैं इन टर्म्स ऑफ कस्टम, इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज जी। तो वो सारे का सारा, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर रिलेटेड टू द कल्चर। दोबारा से बात एक अगेन, हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे एक न्यूक्लियस फैमिली सिस्टम है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, तो डेफिनेटली फिर कल्चर जो है वो काफी ज्यादा डिफरेंट हो जाता है। बजाय इसके कि सेल्फ सेंटर्ड हो, पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देयर फैमिली मेंबर्स एज वेल जी। ठीक है, प्रायोरिटी देते हैं जी, जैसे बड़े भाई जो हैं या घर के जो बड़े हैं वो छोटों को प्रायोरिटी देते हैं, पेरेंट्स बच्चों को या बड़े भाई बहन अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो वो आपका ओवरऑल एक कल्चर ऐसा बन जाता है कि जिसके अंदर एक्टिविटीज इस तरीके से ऑर्गेनाइज की जाती हैं, जिसका एक बहुत ज्यादा फ्लेवर आपको नजर आता है जी। सब कल्चर, अ कल्चरल ग्रुप विद इन अ लार्ज कल्चर, ऑफन हैविंग बिलीव्स और इंटरेस्ट एट वेरियंस विद दोज ऑफ द लार्ज कल्चर जी। हमारे पास जब एक पौध जैसे पाकिस्तान जी, वो एज अ होल इट इज अ कल्चर, तो उसके अंदर बहुत सारे सब कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं जी। उनकी अपनी कस्टम्स होती हैं, उनकी अपनी ट्रेडिशंस होती हैं, वो अपनी रवायात के मुताबिक अपनी चीजों को लेकर चलते हैं जी। सोशल क्लास कहते हैं जी, दैट इज अ डिवीजन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस की बात करते हैं जी। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या कहा जाता है जी, वो हाई इनकम ग्रुप्स जो होते हैं जी, लो इनकम ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, मिडिल क्लास का नाम दिया जाता है, इसी तरीके से इलीट क्लास का, तो वो इकोनॉमिक स्टेटस की बेसिस के ऊपर सोशल क्लासेस बना दी जाती हैं जी। हम ये देखते हैं कि सोशल फैक्टर्स के अंदर कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स होते हैं जी। सोशल फैक्टर के अंदर रेफरेंस ग्रुप्स होते हैं, सोशल फैक्टर में फैमिली होता है, सोशल फैक्टर में सोशल रोल्स और स्टेटसेस भी होते हैं। लेट स्टार्ट दिस सोशल फैक्टर विद द रेफरेंस ग्रुप जी। रेफरेंस ग्रुप आर ऑल द ग्रुप्स दैट हैव अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन एटीट्यूड्स और बिहेवियर जी। ग्रुप्स हैविंग अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस आर कॉल्ड मेंबरशिप ग्रुप्स जी। आप जैसे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या आप जिस भी एरिया के अंदर रह रहे हैं, तो वहां पर जो आपकी जो फ्रेंडशिप बॉन्ड्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके कंजम्पशन बिहेवियर को जी। वो आप इन्फ्लुएंस करेंगे कि आप किस किस्म की कमोडिटीज को परचेज करते हैं, किस ब्रांड को रेकमेंड किया जाता है जी। और जिनका डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है जी, उसको कह दिया जाता है जी मेंबरशिप ग्रुप। इसमें से कुछ जो ग्रुप्स होते हैं उनको प्राइमरी ग्रुप्स कहा जाता है जी, जिनसे बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होता है जी। उस प्राइमरी ग्रुप में फैमिली, फ्रेंड, नेबर्स एंड को वर्कर्स आ जाते हैं जी। जैसे फैमिली में पेरेंट्स आ जाते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर हैं, कजन्स हैं, अंकल आंट, उन तमाम लोगों का जो एक ओपिनियन होता है जी, वो आपके कंजम्पशन बिहेवियर को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है जी। फ्रेंड्स, दोस्त आ जाते हैं जी, वो आपके एज फेलो भी हो सकते हैं जी, वो आप अब जैसे आजकल हम बात रिपीटेडली करते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स की बात करते हैं जी, तो फेसबुक के ऊपर लिख लिया जाता है जी, आई वॉन्ट टू परचेज अ मोबाइल फोन, सो प्लीज रिकमेंड योर प्रेफर्ड ब्रांड और कन्विंस मी दैट वाई आई शुड गो फॉर दैट पर्टिकुलर ब्रांड। कि जी क्यों खरीदूं जी, मुझे जरा उसके एट्रीब्यूट्स तो बता दीजिए, मुझे एजुकेट कीजिए कि यार मुझे वो पर्टिकुलर ब्रांड क्यों खरीदना चाहिए। जैसे आप ये देखते हैं कि आप 5-7-10 दोस्त हैं, तो उसमें से एक ऐसा दोस्त है जो बहुत ज्यादा, जिसको टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग है, तो जब भी लैपटॉप खरीदना होता है, आपने कोई भी टेक्नोलॉजिकल आइटम, आपने MP3 परचेज करना है, आपने कंप्यूटर परचेज करना है, या आपने टेलीविजन परचेज करना है, या आपने मोबाइल फोन परचेज करना है, तो उस दोस्त की राय को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। उसको कहते हैं अच्छा भाई जरा साथ चलो, साथ चल के मार्केट में देखते हैं, थोड़ा सा सर्च करते हैं दैट विच ब्रांड वी नीड टू परचेज। इसी तरीके से कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग क्लोथिंग के बारे में बहुत ज्यादा बेहतर होती है, तो फिर उनको कहा जाता है कि भाई आप हमारे साथ चलें और आपको कलर सिलेक्शन, कॉम्बिनेशंस, कपड़ा, स्टफ, वो सारी चीजें आप, तो इस तरह वो जो एक डाइवर्सिटी होती है जी, उसका फायदा उठाया जाता है। नेबर्स की बात की जाती है जी, मोहल्ले वाले दोस्त जो इर्द गिर्द लोग रह रहे होते हैं जी, उनका इन्फ्लुएंस कैसा होता है जी। और हमारे पास को वर्कर्स, साथ काम करने वाले बहुत हद तक इफेक्ट करते हैं। ये जो नेबर्स है ये एक इंपॉर्टेंट सोशलाइजेशन एजेंट है जी। और जैसे हमारे यहाँ अभी भी जो मैं इसको कहूँगा जो अंदरून इलाके हैं बहुत सारे, जैसे लाहौर का जो
इंटीरियर लाहौर है या रावलपिंडी में जो इंटीरियर रावलपिंडी है, तो वहां पर नेबर्स का एक इंपॉर्टेंट रोल, वहां पर बॉन्ड्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो डेफिनेटली जो स्पेंडिंग है जी वो उसको बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे को एजुकेट करते हैं, गाइड करते हैं कि कितना इंटेलिजेंटली वन हैज टू स्पेंड और कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जिसको रिकमेंड किया जाता है। एक और हमारे पास ग्रुप होता है जी, कैटेगरी होती है जिसको सेकेंडरी ग्रुप कहा जाता है, सच एज रिलीजियस प्रोफेशनल एंड ट्रेड यूनियन ग्रुप्स विच टेंड टू बी मोर फॉर्मल एंड रिक्वायर्स लेस कॉन्टिन्यूस इंटरेक्शन। जी इंटरेक्शन इतनी ज्यादा नहीं होती बट डेफिनेटली टाइम टू टाइम, जैसे ये इन्होंने बात की हुई है ना ट्रेड यूनियन ग्रुप्स की और प्रोफेशनल्स की, तो आपको याद होगा कि पिछले कुछ सालों के अंदर जितने भी यूएचटी मिल्क है जी, ये जो उसमें आते हैं पैकिंग में जो मिल्क मार्केट में सप्लाई किया जाता है, उन तमाम ने मिलकर कंबाइन होकर उन्होंने टेलीविजन के ऊपर 30-35 मिनट्स का एक प्रोग्राम बनाकर लोगों को एजुकेट करना शुरू किया था कि जी वो जो मिल्कमैन आपके डोर स्टेप के ऊपर मिल्क डिलीवर करता है जी, वो क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाता जी, और वो उसको वो कॉम्प्रोमाइज होती है जी उसकी क्वालिटी, सो प्लीज स्विच टू दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और वो उसके अंदर वो ब्रांड नहीं दिखा रहे थे बल्कि वो उसको कह रहे थे, लोगों को एजुकेट कर रहे थे कि किस तरीके से हम इसके अंदर से जर्म्स को और किस तरीके से इसकी पैकेजिंग को, इसकी डिलीवरी को, हम इन तमाम प्रोसेस को किस तरीके से कैटर फॉर करते हैं सो दैट वी कैन डिलीवर अ क्वालिटी प्रोडक्ट एट योर डोर स्टेप जी, हम मार्केट में उसको अवेलेबल करते हैं और आप वहां से खरीद कर लाइए जी। तो वो आपके पास ये सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं और ये इतना फ्रीक्वेंट इनके साथ इंटरेक्शन नहीं होता जी। अब ये कहते हैं कि जी रेफरेंस ग्रुप जो इन्फ्लुएंस करता है अपने मेंबर्स को तीन तरीकों से करता है, इसमें सबसे पहली चीज है जी, दे एक्सपोज एन इंडिविजुअल टू न्यू बिहेवियर्स एंड लाइफस्टाइल्स। वो एक नया बिहेवियर, नया लाइफस्टाइल, जैसे हमारे पास किसी दौर में वो जो नोकिया का मोबाइल फोन आता था उससे हम SMS करते थे और आप देखें वो ब्लैक एंड व्हाइट फिर कलर्ड। अब हमारे पास स्मार्टफोन्स की वजह से क्या हुआ कि व्हाट्सएप और वाइबर की कम्युनिटी बहुत ज्यादा डेवलप होगी, तो उसके साथ क्या हुआ कि इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रांग हो गया कि जी वो फ्री ऑफ कॉस्ट, इफ यू आर कनेक्टेड टू वाईफाई देन यू कैन इजीली शेयर फोटोग्राफ्स, शेयर मैसेजेस और आप कॉल्स कर सकते हैं जी। लाइफस्टाइल में हमारे पास एक और चीज आया था जो बहुत अरसा पहले की बात है कि हम लोग ईद कार्ड भेजा करते थे जी या बर्थडे कार्ड भेजा करते थे, तो अब हमारे पास उसके बाद क्या हुआ कि जी ईमेल्स के थ्रू हम लोगों ने कार्ड्स भेजने शुरू किए जी, ईद कार्ड्स या बर्थडे कार्ड्स, और अभी हम मॉडर्न जो हमारे पास इरा जो चल रहा है जो कि टेक्नोलॉजिकल बिल्कुल है, उसके अंदर सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर हम सब बर्थडे विशेज, हम ईद मुबारक और तमाम वो जो इवेंट्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं जी। तो उसने ऑल टुगेदर लाइफस्टाइल को काफी हद तक चेंज कर दिया, ये न्यू बिहेवियर्स इवॉल्व हो रहे हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजी, दे इन्फ्लुएंस एटीट्यूड्स एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट जी। ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, आप खुद को डिफाइन करते हैं भाई कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या, हाउ व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स विच डिफाइन जी। आप एक पर्टिकुलर परफ्यूम यूज करते हैं जी, आप एक पर्टिकुलर ब्रांड यूज करते हैं जी, तो वो तमाम की तमाम चीजें जी इसके अंदर हमारे पास आती हैं। देन कम्स जी एंड द क्रिएट प्रेशर फॉर कन्फॉर्मिटी दैट मे इफेक्ट प्रोडक्ट एंड ब्रांड चॉइसेस जी। जिस ग्रुप से आप बिलोंग कर रहे होते हैं जी, वो एक पर्टिकुलर ब्रांड को रेकमेंड करता है, और रिसर्च ये कहती है कि जो यंग कंज्यूमर्स हैं दे आर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स दोज ब्रांड्स विच आर हाईली रेकमेंडेड बाय देयर पीयर्स और बाय देयर फ्रेंड्स बिकॉज दे वांट टू रिलेट टू दैट ग्रुप जी, वो उससे बाहर नहीं होना चाहते, तो इसकी वजह से वो ब्रांड्स, वो कमोडिटीज जो वो ग्रुप उनको सजेस्ट करेगा, जो सोशल सर्कल उनको सजेस्ट करेगा, वो उसी के ऊपर स्पेंडिंग करेंगे, वो बाहर से उसको नहीं करना चाहेंगे बिकॉज उनको ये डर होता है दैट इफ दे वांट टू स्पेंड ऑन सम डिफरेंट कमोडिटी देन दे मे बी आइसोलेटेड। तो ये एक उसके अंदर फैक्टर है। पीपल आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रुप टू विच दे डोंट बिलोंग, एस्पिरेशनल ग्रुप्स आर दोज अ पर्सन होप्स टू ज्वाइन। जैसे आप ये देखते हैं हमारे साथ क्लब्स बने हुए हैं जी, क्रिकेट के क्लब्स हैं हमारे पास, इसी तरह से और डिफरेंट रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के क्लब हैं जी, ये नॉर्दर्न एरियाज के विजिट करते हैं जी। अच्छा, अब आपकी एक अर्ज होती है लेट्स ज्वाइन दैट पर्टिकुलर ग्रुप, या उन लोगों को ज्वाइन करते हैं, उसके सर्टन क्राइटेरियाज होते हैं। वो सर्टन क्राइटेरियाज क्या होते हैं, इफ यू फुलफिल दोज क्राइटेरियाज तो वो फिर आपको जैसे लेमनाए एक वो सीन किया जाता है जी।
तो एक विश होती है जी, आप कहते हैं, होप करते हैं कि जी लेट्स ज्वाइन दोस ग्रुप्स जी। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी हमारे यहाँ देखते हैं कि थोड़ा सा जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो एलीट क्लास होती है जी, फॉर दोस पीपल देर आर क्लब्स जी, जैसे इस्लामाबाद क्लब है जी, ठीक है, इसी तरह से वो जिम खाना है, और ये लाहौर जिम खाना है या रावलपिंडी में, तो वो सारे के सारे पीपल वॉन्ट टू ज्वाइन इट जी, दे वॉन्ट टू हैव सम एसोसिएशन विद दैट पर्टिकुलर ग्रुप जी। Dissociative groups are those whose values or behaviors and individual rejects जी। हम में से बहुत सारों को बहुत फेंटियां पड़ी होंगी जी, मार पड़ी होगी, वालदैन कहते हैं ऐसे बच्चों के साथ या ऐसे लोगों के साथ मत उठो बेटा, पर्टिकुलर ये स्कूल्स में या कॉलेजेस में काफी कॉमन है जो सिगरेट पीते हैं जी, ठीक है, तो उसका वो बिकॉज आप उनकी जो वैल्यूज होती हैं, उनका जो बिहेवियर होता है, यू रिजेक्ट, यू टेंड टू रिजेक्ट, यू वांट टू रिजेक्ट, पेरेंट्स इन्फ्लुएंस करते हैं कि भाई ये एक पर्टिकुलर हैबिट है जिसकी वजह से आइंदा आने वाले दिनों में आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, सो प्लीज प्लीज रिजेक्ट दैट ग्रुप जी, आप उसको ज्वाइन मत करें, या किसी और पर्टिकुलर हैबिट की बुनियाद के ऊपर, बिना के ऊपर आप कोशिश करते हैं कि उस पर्टिकुलर ग्रुप को ज्वाइन ना करें जी। नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर आता है जी, वो सोशल फैक्टर है, एंड दैट इज फैमिली जी। द फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंज्यूमर बाइंग ऑर्गेनाइजेशन इन सोसाइटी, एंड फैमिली मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्राइमरी रेफरेंस ग्रुप जी। एक तो होती है फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन जी, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जी, कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स जी, ठीक है, बहन भाई वालदैन होते हैं जी, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। फ्रॉम पेरेंट्स अ पर्सन एक्वायर्स ओरिएंटेशन टुवर्ड्स जस्ट रिलीजन जी, इसी तरीके से पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स एंड सेंस ऑफ पर्सनल एम्बिशन, सेल्फ वर्थ एंड लव, इवन इफ द बायर नो लॉन्गर इंटरेक्ट्स वेरी मच विद हिज और पेरेंट्स, पेरेंटल इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर कैन बी सिग्निफिकेंट जी। हम लोग इस बारे बात कर चुके हैं कि वो ब्रांड्स जो कि पेरेंट्स कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं, उन्हीं ब्रांड्स को बच्चे भी दे स्टार्ट कंज्यूमिंग ऑन द सेम ब्रांड। जैसे आप देखते हैं कि आपने अपने घर में सोनी का टेलीविजन देखा, तो व्हेन यू स्टार्ट लिविंग अलोन, जब आप अपने पेरेंट्स से अलहदा होते हैं, तो आपकी मेन फोकस ये होता है कि जी लेट्स, तो आपको जब टेलीविजन परचेज करना पड़ता है तो आप कहते हैं जी लेट्स गो फॉर सोनी, या आप ये देखते हैं कि जी आपके घर में जो जूसर है वो किसी पर्टिकुलर, लेट्स से कि वो मोलिनेक्स का है, तो जब आप अपने वालदेन से अलहदा होकर रहने लगते हैं तो आप फिर आप कहते हैं जी, आपका कॉन्फिडेंस होता है ना, आपने उसको बचपन से इस्तेमाल होते देखा होता है, और आपने पेरेंट्स से इंटेंशनली या अनइंटेंशनली उस प्रोडक्ट की तारीफ सुनी होती है, या उस प्रोडक्ट के बारे में या उस ब्रांड के बारे में आपने अपने पेरेंट्स के कॉन्फिडेंस को पहले से देख लिया होता है, इसलिए आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। और इसमें जो सबसे अच्छी बात हमारे कल्चर में है, जिसको मैं ये कहूंगा कि दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ अवर कल्चर, कि जी वो अक्सर औकात क्या होता है कि वही ब्रांड हमारे वालदेन या हमारे दोस्त हमें खरीद कर तोहफा भी दे देते हैं जी, थैंक्स टू देम। तो वो क्या करते हैं कि वो ये कहते हैं कि जी लेट्स परचेज दोस काइंड ऑफ आइटम्स, और वो आपको गिफ्ट कर दिया जाता है या वो आपको तोहफा दे दिया जाता है, और आप उसको यूज करना शुरू कर देते हैं जी। अच्छा, इसके अंदर फिर ये भी होता है, इसी तरह से बैंक्स की आप देखें जो सर्विसेज अवेल करनी होती हैं, मैं जो जब बुक पढ़ रहा था तो उसके अंदर ये था कि वो इंश्योरेंस कंपनीज जिनसे पेरेंट्स ने इंश्योरेंस कराई होती है, बच्चे भी उन्हीं से इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है, तो सर्विसेज की भी बात आती है। इसी तरीके से आप ये देखते हैं कि वो मैकेनिक जिससे आपके वालिद गाड़ी अपनी या मोटर बाइक रिपेयर कराते हैं, उसी मैकेनिक के पास आप भी आंखें बंद करके जाते हैं और आप भी उनसे कहते हैं कि जी इसको रिपेयर, गाड़ी या मोटरसाइकिल जो भी आपको रिपेयर कराना, तो ये कॉन्फिडेंस होता है जी, भले वो सर्विसेज के अंदर हो, भले वो गुड्स के अंदर हो। दूसरी चीज होती है जी फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन इज दिस इज द सेकेंड थिंग जी, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन व्हेन यू गॉट मैरिड और व्हेन समवन गॉट मैरिड जी, हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, तो हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर फिर वो जो परचेजेस, जैसे हमारे यहां भी हमारे कल्चर में, बल्कि ये साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन है कि जो फीमेल्स हैं जी, दे आर मोर इन्फ्लुएंशियल इन परचेजिंग ग्रोसरीज जी, ठीक है, एक लिबर्टी दी जाती है मेल्स की तरफ से, यह म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि जी जब ग्रोसरी खरीद लेने के लिए जाना है या ग्रोसरी लानी है, तो वो ब्रांड्स जिसके ऊपर फीमेल्स कॉन्फिडेंट हैं जी, वो कंफर्टेबल हैं, वो चीज खरीद लीजिए।
अच्छा, अब इसके अंदर ये, लेकिन जब दूसरी तरफ एक्सपेंसिव आइटम्स हैं, जैसे जब इफ दे इफ अ कपल वांट्स टू परचेज ज्वेलरी या कार्स परचेज करनी है, एक्सपेंसिव आइटम्स परचेज करनी है, तो फिर म्यूचुअल कंसेंसस डेवलप किया जाता है। इसके अंदर रिसर्च ये कहती है कि जो फीमेल्स हैं दे आर मोर क्या कहना चाहिए जी, दे आर मोर पीपल ओरिएंटेड जी। वो जो रिलेशनशिप उनके इर्द गिर्द लोग हो रहे रह रहे होते हैं ना, जैसे पेरेंट्स हैं, जैसे बहन भाई हैं, जैसे अंकल हैं, वो उनसे रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए उन ब्रांड्स के ऊपर स्पेंडिंग करती हैं जो ब्रांड्स रिलेटिव्स रिकमेंड करते हैं। लेकिन मेन के बारे में ये कहा जाता है जी वो थोड़े से ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, वो फिर ये देखते हैं कि नहीं जी इस पर्टिकुलर ब्रांड की परचेजिंग करनी चाहिए। लेकिन डेफिनेटली कंसेंसस तो डेवलप होता है, जिसके अंदर इसको कहा जाता है जी फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन जी। एक चीज और होती है जी, रोल्स एंड स्टेटस। अ रोल कंसिस्ट ऑफ द एक्टिविटीज अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म जी। क्या करना चाहिए जी, आप ये देखते हैं ना जब ग्रुप्स बनाए जाते हैं, जिसको हम लोगों ने शायद ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में भी आपने पढ़ा हो, वो इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं। उस इनफॉर्मल ग्रुप्स में क्या होता है कि वो जो रोल्स होते हैं, जो स्टेटस होता है ना जी, वो भी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। जैसे आप ये देखते हैं कि यार दिस पर्सन इज ऑनेस्ट, डेडली ऑनेस्ट, तो आप क्या करते हैं, वो आपने एक ट्रिप अगर अरेंज करना, आप सारे के सारे पैसे उसको दे देते हैं, भाई ये पैसे तू रख, और वो जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके पास चला जाता है, एंड ही और शी स्टार्ट स्पेंडिंग। और आप सबको पता होता है कि ये सारा हिसाब रखेगा, आखिर में शेयर करेगा, प्लस माइनस जो भी होगा ये उसको कम्युनिकेट करेगा और उसको मैनेज भी अच्छे तरीके से करेगा। यहां पर हम डेफिनेशन देखते हैं जी, कंसिस्ट ऑफ द एक्टिविटीज अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म जी। रोल वो चीज होता है जिसमें डिफरेंट एक्टिविटीज होती है। इसी तरीके से वो ग्रुप्स के अंदर क्या होता है कि जी लीडरशिप का एक रोल इवॉल्व हो जाता है जी, एक कोऑर्डिनेटर का या कम्युनिकेटर का रोल इन्वॉल्व हो जाता है। या अगर हम बहुत ज्यादा इनफॉर्मली देखें तो हमारे पास एक और रोल होता है कि जिसमें एक नौजवान या कोई एक हमारा जो ग्रुप मेंबर है जी, वो ही कैन सिंग वेरी वेल, तो हम अक्सर उसको कहते हैं खजे, अच्छा जी लेट्स सिंग। कोई एक है हु कैन कुक वेरी वेल, कोई एक है जो कि ग्रुप के अंदर जो नाराजगी होती है, जो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, उसको रिजॉल्व करने में बहुत अच्छा होता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज ईच रोल इन टर्न डील्स विद द स्टेटस जी। पीपल चूज प्रोडक्ट्स दैट रिफ्लेक्ट एंड कम्युनिकेट देयर रोल एंड देयर एक्चुअल और डिजायर्ड स्टेटस इन सोसाइटी। मार्केटर्स मस्ट बी अवेयर ऑफ द स्टेटस सिंबल पोटेंशियल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स जी। जैसे हम लोग ये देखें कि आप नाइकी का जो ब्रांड है, एडिडास है, इसी तरह से हैंगटन है, या आपके पास पेप्सी है, कोका कोला है, हम नेम द ब्रांड, तो वो क्या करते हैं कि ये जितने भी हमारे पास ब्रांड्स हैं इनके सिंबल्स हैं जी, और वो उस सिंबल को रिफ्लेक्ट करते हैं जी। वो शर्ट के ऊपर आपको नजर आ जाता है, किसी स्टिकर के ऊपर नजर आ जाता है, किसी ट्रक के ऊपर नजर आ जाता है, किसी और जगह के ऊपर नजर आता है, तो फौरन से परसेप्शन डेवलप होती है कि भाई ये वो पर्टिकुलर ब्रांड है, और उसके ऊपर स्पेंडिंग, द पीपल फील मोर कंफर्टेबल जी। इसी तरीके से अगर आपने उसके मैचेस देखे हो टेनिस के, तो दोज मैचेस आर स्पॉन्सर्ड बाय ईदर, अच्छा रोलेक्स स्पॉन्सर करता है जी उसको, मर्सिडीज स्पॉन्सर करता है, तो वो आप देखते हैं कि एक आपको सर्कल नजर आता है जिसके अंदर तीन लाइन है, तो बहुत आसानी से आपको समझ आ जाती है जी दिस इज मर्सिडीज जी। रोलेक्स वॉचेस डेफिनेटली वो ब्रांड कॉन्शियस वो जो लोग होते हैं उसको यूज करते हैं, और वो स्विस वॉचेस का अगर आप कॉन्सेप्ट देखें तो जी वो एलिगेंस है, दैट इज डिफरेंट जी। इसी तरीके से हमारे पास सीको कैसी वेस्ट वॉचेस की बात करते हैं, सीको है, कैसियो है, हमारे पास गुची और बहुत सारे ब्रांड्स जो अवेलेबल है, उनकी कॉपी अवेलेबल है जी। पीपल स्टार्ट स्पेंडिंग ऑन द कॉपी ऑफ दोज ब्रांड जो कि आपको मार्केट से कंपैरेटिवली चीपर रेट्स के ऊपर अवेलेबल होती है, और अगेन पीपल वॉन्ट टू रिलेट देमसेल्व्स के जी इसको हम यूज कर सकेंगे। नेक्स्ट जी हमारे पास पर्सनल फैक्टर्स आ जाते हैं जी। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इन्फ्लुएंस अ बायर्स डिसीजन इंक्लूड एज एंड स्टेज इन द लाइफ साइकिल, ऑक्यूपेशन की बात आती है जी, इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस की बात आती है, पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कंसेप्ट एंड लाइफस्टाइल्स एंड वैल्यूज, बहुत सारी चीजें। खैर लेट्स स्टार्ट विद एज एंड स्टेज इन द लाइफ साइकिल जी। अवर टेस्ट इन फूड क्लोथ्स फर्नीचर एंड रिक्रिएशन इज ऑफन रिलेटेड टू अवर एज। जैसे फूड की बात की जाती है तो जो यंगस्टर्स हैं दे आर मोर हैप्पी विद मैकडोनल्ड्स या बर्गर किंग या पिज़्ज़ा हट और इस किस्म की जो प्रोडक्ट्स हैं। बट विद द पैसेज ऑफ एज
हमारे एक दोस्त हैं, उनके वाले साहब से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा जी मैं मेरा बेटा मुझे किसी रेस्टोरेंट में या किसी होटल में लेकर गया. सो वो जब वहां पर डिलीवरी ऑफ ऑर्डर उन्होंने काफी उसको डिले किया, तो आई सेड टू माय सन दैट आई वांट टू गो होम एज अर्ली एज पॉसिबल, मैं इंतजार नहीं कर सकता जी. एंड देन ही सेड के जी उसने वहां से खाना पैक कराया, हम लोगों ने घर आकर खाया. तो ये थोड़ा सा ये जो फूड से या जो जैसे जैसे एज आप कह लें कि उसके अंदर एज चेंज इन एज आती है, तो डेफिनेटली प्रायोरिटीज भी चेंज होती जाती हैं, टेस्ट चेंज हो जाता है जी. इसी तरीके से क्लोदिंग की बात है जी, हम कलर्स की बात कर लेते हैं जी, हम स्टफ की बात कर लेते हैं. जैसे पाकिस्तान के अंदर समर्स में कॉटन जो क्लोथ्स है जी वो दे आर वेरी मच फेमस और उसको अच्छा समझा जाता है. देन कम्स जी फर्नीचर की बात. अच्छा, ये बड़ा एक पाकिस्तान का एक शहर है चिनियोट. तो अगर आप देखें जी फर्नीचर जी, वो चिनियोटी फर्नीचर. इसी तरीके से अगर आप जीटी रोड से गुजरात जाते हैं तो आप देखें गुजरात में बहुत सारे फर्नीचर के आउटलेट्स हैं जी. ठीक है, तो डिफरेंट हमारे पास उसके अंदर चेंजेस आती हैं. रिक्रिएशन की बात आती है, इज ऑफन रिलेटेड टू अवर एज. लेट्स गो टू मूवी जी, चलते हैं मूवी देखने के लिए जी. यंग कंज्यूमर्स की बात हो रही है जी. लेकिन अगर हम थोड़ा सा एजड लोगों की बात करेंगे तो जी वो पार्क में चले जाते हैं या फिर किसी जगह के ऊपर पिकनिक होती है, और दे वांट टू स्टे एट होम जी. वो फिर प्रायोरिटीज उसके अंदर आ जाती है. कंजम्पशन इज आल्सो शेप्ड बाय द फैमिली लाइफ साइकिल एंड द नंबर, कितने फैमिली मेंबर्स हैं जी, एज क्या है, जेंडर ऑफ पीपल इन द हाउस होल्ड जी. ठीक है, उसमें फिर मेल और फीमेल का कॉम्बिनेशन आ जाता है. एट एनी पॉइंट इन टाइम मार्केटर्स शुड आल्सो कंसीडर क्रिटिकल लाइफ इवेंट्स और ट्रांजिशंस जी. वो क्रिटिकल लाइफ इवेंट्स क्या होते हैं जी, मैरिज है जी, इसको क्रिटिकल इन्होंने कहा है. देन कम्स जी चाइल्ड बर्थ है, इलनेस है, रिलोकेशन है जी. आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो डेफिनेटली वहां का कल्चर डिफरेंट, उसकी वजह से आपके कंजम्पशन के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है. डाइवोर्स है, फर्स्ट जॉब है जी. Then comes career change है, retirement, death of a spouse, life partner as giving rise to new needs जी. Needs आपकी change हो जाती. और अच्छा, इसके अंदर एक मैं relocation के हवाले से आपको एक बात कहूंगा कि बाज दफा आप spending कर रहे होते हैं वो एक particular point of time के ऊपर आपको यूं महसूस होता है कि वो आपकी necessity है जी, जरूरत है, basic, आप उसके बगैर you can't live. But आप जब दूसरी जगह के ऊपर जाते हैं तो उसको लग्जरी कंसिडर किया जाता है जी. इसी तरीके से अगर आप क्लिप्स देखते हैं जी, जैसे हम लोग कहते हैं जी हंगर हमारी क्या है जी, बेसिक नीड है जी. और इफ वी वांट टू हैव लंच और मील फ्रॉम मैकडॉनल्ड्स तो वो हमारी वांट है. थर्ड फेज ऐसा है कि इफ वी हैव मनी एज वेल तो हम उसको डिमांड कहते हैं. आप अफ्रीका की वीडियोस देखें जी तो वो बॉइल्ड राइस वो लोग खा रहे होते हैं. तो उसके अंदर फिर वो आप देखें एरिया टू एरिया हमारे पास नीड्स और वांट्स डिफरेंट भी होती हैं. तो इस तरीके से हमारी जो कंपनीज हैं वो इस तरीके से प्लान करते हैं, ये चॉकआउट करते हैं अपने मार्केटिंग प्लान्स को, स्ट्रेटजीज को, कि वो ये जो नीड वांट्स और डिमांड्स का कम्बिनेशन को किसी तरीके से अपनी प्रोडक्ट को उसकी प्रोजेक्शन कर सके. नेक्स्ट हमारे पास जब हम पर्सनल फैक्टर्स की बात करते हैं, पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात आती है जी. पर्सनैलिटी इज अ सेट ऑफ डिस्टिंग्विशिंग ह्यूमन साइकोलॉजिकल ट्रेट्स दैट लीड टू रिलेटिवली कंसिस्टेंट एंड एंड्योरिंग रिस्पॉन्सेज टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई इंक्लूडिंग बाइंग बिहेवियर जी. कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात आती है जी. हाउ कॉन्फिडेंट वी आर, जब हम स्पेंडिंग करने के लिए जाते हैं तो हम कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं जी. हम एक चीज को जब खरीदते हैं तो उसके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से देखभाल कर लेते हैं, हम इंफॉर्मेशन. अच्छा, इसमें भी चीज है कि कन्वीनियंस आइटम्स के लिए हमें इतनी ज्यादा वर्किंग की जरूरत नहीं पड़ती. जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, ये जो ग्रॉसरी आइटम्स हैं, जैसे कुकिंग ऑयल हो गया, जैसे हमारे पास सोप हो गया, जैसे हमारे पास शैम्पू हो गया, जैसे हमारे पास टूथपेस्ट हो गया, इन कमोडिटीज के लिए या बिस्किट्स हो गए, हमारे पास इतनी ज्यादा वर्किंग करने की जरूरत नहीं है. बट जब हम एक्सपेंसिव, जितनी ज्यादा आइटम एक्सपेंसिव होती जाएगी और जितना ज्यादा फिर इनकम के साथ भी आप उसको कंपेयर करते हैं, एक्सपेंसिव होती जाएगी उतना ही ज्यादा आप ज्यादा वर्किंग करते हैं, उतने ही ज्यादा आप कोशिश करते हैं कि आप इनफ इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाए सो दैट अ पर्सन फील्स कॉन्फिडेंट इन हिज और हर परचेजिंग डिसीजंस जी.
डोमिनेंस की बात आती है, अभी हम मैरिटल स्टेटस की बात कर रहे थे या वो जब हमने टू टाइप्स ऑफ फैमिलीज की बात की थी, तो कौन डोमिनेट करता है जी डिसीजन को जी, वो मेल करता है, फीमेल करता है, वो फादर करते हैं, वो मदर करते हैं, वो हस्बैंड डोमिनेट करता है या वो वाइफ डोमिनेट करता है। ऑन अ लाइटर नोट जी, डोमिनेट वो करता है जिसने पैसे देने होते हैं। अगेन ऑटोनॉमी की बात है जी, सोशलेबिलिटी की बात है, डिफेंसिवनेस की बात की है, अडेप्टेबिलिटी की बात की है जी। मैं अडेप्टेबिलिटी में जैसे हमारे पास एक चीज एक जगह के ऊपर नेसेसिटी है तो दूसरी जगह के ऊपर वो लग्जरी है, तो आपको उस एनवायरमेंट को इस तरीके से अडेप्ट करना है कि आपकी परचेजिंग बिहेवियर या कंजम्पशन बिहेवियर वो शेप अप हो सके जी। पर्सनैलिटी कैन बी अ यूजफुल वेरिएबल इन एनालाइजिंग कंज्यूमर ब्रांड चॉइसेस, ब्रांड्स आल्सो हैव पर्सनैलिटीज जी, बड़ी बात है, एंड कंज्यूमर्स आर लाइकली टू चूज ब्रांड हुज पर्सनैलिटीज मैच देयर ओन जी। ब्रांड पर्सनैलिटी इज अ स्पेसिफिक मिक्स ऑफ ह्यूमन ट्रेट्स दैट कैन एट्रीब्यूट टू अ पर्टिकुलर ब्रांड, जैसे परफ्यूम्स हैं जी, ठीक है, परफ्यूम्स आप स्मेल करते हैं देन यू रियलाइजिंग कि जी ये दिस इज द ब्रांड और दिस इज द फ्रेगनेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन जी, तो वो फिर सारी चीजें उसको कंबाइन करते हैं और उसको शेप अप करते हैं इन टर्म्स ऑफ अ पर्सनैलिटी जी। दोबारा से कहूंगा, इज द स्पेसिफिक मिक्स ऑफ ह्यूमन ट्रेट्स दैट कैन एट्रीब्यूट टू अ पर्टिकुलर ब्रांड। इसी तरीके से इसी वजह से सेलिब्रिटीज को भी यूज किया जाता है जी एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर। जैसे आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स, पर्टिकुलरली क्रिकेट की जो हम उसको स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज कहते हैं जी, हमारे जो क्रिकेट स्टार्स हैं, जैसे शाहिद अफरीदी का एक क्रेज है जी, और शाहिद अफरीदी का किसी भी एडवर्टाइजमेंट के अंदर होना उस अगेन वो प्रोडक्ट की एक क्या कहना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ समझा जाता है जी। इसी तरीके से आप अगर देखते हैं अली जफर को देख लेते हैं जी, तो अली जफर किसी वक्त में ही वॉज वर्किंग फॉर टेलीनॉर जी, तो जब उसने शिफ्ट किया मोबिल लिंक में, तो दे हैव टू पे मिलियंस टू टेलीनॉर, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था या वट एवर दैट वॉज, बट लेकिन जब उसने स्विच किया तो अगेन वो फिर एक ब्रांड पर्सनैलिटी की बात आ जाती है जी। देन कम्स जी पर्सनल फैक्टर्स की बात, ऑक्यूपेशन की बात एंड इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस की बात करते हैं जी। ऑक्यूपेशन ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस कंजम्पशन पैटर्न, मार्केटर्स ट्राई टू आइडेंटिफाई द ऑक्यूपेशनल ग्रुप दैट हैव अबव एवरेज इंटरेस्ट इन देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड इवन टेलर प्रोडक्ट्स फॉर सर्टन ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स जी, जैसे व्हाइट कॉलर जॉब्स होती हैं, ब्लू कॉलर जॉब्स होती हैं जी, ठीक है, जहां पर यूनिफॉर्म्स दे दिए जाते हैं डेफिनेटली उनका फिर कंजम्पशन बिहेवियर डिफरेंट है जी। बैंकर्स की बात कर लेते हैं जी, बैंकर्स दे आर मोर केयरफुल अबाउट देयर आउटलुक जी, वो कपड़ों के बारे में बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं जी, टायर्स के बारे में, शर्ट्स के बारे में, ड्रेस के बारे में, तो डेफिनेटली क्या होता है कि हमारे वो जब भी जाते हैं जी किसी पर्टिकुलर आउटलेट के ऊपर जाते हैं शॉपिंग के लिए, तो वो उससे इंफॉर्मेशन उनसे ले लेते हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं अच्छा जी आप हमें अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, आप हमें अपना ईमेल एड्रेस दे दीजिए, आप हमें अपना विजिटिंग कार्ड दे दीजिए, तो हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमारी कुछ अच्छी डील्स या ऑफर्स या हमारी सेल्स प्रमोशन आएंगी वी विल इन्फॉर्म यू, तो वो फिर क्या करते हैं कि वो कस्टमर डेटाबेस बन जाते हैं एंड दे कैप्ट ऑन डिसमिनेटिंग द इंफॉर्मेशन टू देम कि जी हमारी ये न्यू जो प्रोडक्ट रेंज आ गई है या हमारे पास कुछ सेल्स आ गई हैं या हमारे पास कुछ और प्रमोशनल एक्टिविटीज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, तो उसके बारे से। देन कम्स ये इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस, इकोनॉमिक रिसेशन ग्रेटली अफेक्ट प्रोडक्ट एंड ब्रांड चॉइसिस, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे 2007 में जब इकोनॉमिक रिसेशन हुआ, तो इकोनॉमिक रिसेशन के दौरान क्या हुआ, वो फिर ग्लोबली एक फिनोमिना इवॉल्व होता है, उसके अंदर क्या हुआ कि जब लोगों की जॉब्स चली गई और वहां पर काफी हद तक जब इनकम लोगों की कम हुई, तो उसके अंदर में पीपल स्टार्ट रियलाइजिंग कि क्या चीज हमारी नेसेसिटी है जी, वो फिर कट कर देते हैं स्पेंडिंग को। और उसके अंदर एक जगह के ऊपर मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि जी पीपल स्टार्ट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन जी, लोग तालीम के ऊपर खर्च करते हैं ताकि अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करके, जैसे सर्टिफिकेशंस आप लोग देखते हैं डिफरेंट अच्छी सर्टिफिकेशंस मार्केट में हैं, ऑफर कर रहे हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, या एजुकेशन को इम्प्रूव करते हैं जी, जो मास्टर्स कर लेते हैं, एमएस कर लेते हैं, पीएचडीज कर लेते हैं, तो एजुकेशन इम्प्रूव करते हैं सो दैट दे कैन गो फॉर मोर गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज या वो बिजनेस की तरफ चले जाते हैं। तो इकोनॉमिक रिसेशन भी आपकी स्पेंडिंग को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है जी। लाइफ स्टाइल एंड वैल्यूज की बात आती है, इज अ पर्सन्स पैटर्न ऑफ लिविंग इन द वर्ल्ड एज एक्सप्रेस्ड इन एक्टिविटीज इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस,
इट पोर्ट्रेज द होल पर्सन इंटरेक्टिंग विद हिज और हर एनवायरमेंट. मार्केटर्स सर्च फॉर रिलेशनशिप्स बिटवीन देयर प्रोडक्ट एंड लाइफस्टाइल ग्रुप्स. लाइफस्टाइल की जब किस तरीके से वो लिविंग क्या है जी, जैसे कुछ जगहों के ऊपर अगेन हम लोग ये देखते हैं कि जी वो मैकडॉनल्ड्स का भी बर्गर है, और दूसरी तरफ फिर हम ये देखते हैं कि हमें जो बर्गर्स के स्टॉल हैं जी वहां पर, तो दोनों जगह के ऊपर डिफरेंट लाइफस्टाइल्स के लोग उसको अप्रोच करते हैं जी. कुछ जगहों के ऊपर जैसे मैकडॉनल्ड्स है या आपके पास हमारे पास जो दूसरे आउटलेट्स हैं, एक्सपेंसिव आउटलेट्स हैं, वहां पर कंपैरेटिवली हायर इनकम ग्रुप के लोग उसको अप्रोच करते हैं, लेकिन जो लो इनकम ग्रुप के वो डेफिनेटली दे गो फॉर वो जो बर्गर शॉप्स हैं जो उसके ऊपर चले जाते हैं जी. इसी तरीके से स्पेंडिंग, फिर उसमें जैसे बात आपसे हो रही थी व्हेन दे स्टार्ट स्पेंडिंग, तो कुछ चीजें बेबी फूड के ऊपर काफी ज्यादा स्पेंडिंग करते हैं जी. जो इलीट क्लास उसमें कह रहे हैं या जो हायर इनकम ग्रुप है जी, वो फिर बेबी फूड के ऊपर जैसे हाइंस के वो जो आता है बॉटल्ड फूड आता है जी, उसके ऊपर स्पेंडिंग करते हैं जी. और इस तरीके से फिर लोगों का जो कंजम्पशन बिहेवियर है जी वो चेंज होता है. ये कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हमारे सामने हमें नजर आ रहे हैं, जिसमें एक चीज हमारे पास मार्केटिंग स्टिमल आया है जी. प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिकेशन जी, किस तरीके से शेयर किया जाता है कि जी मार्केट में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है, उसकी प्राइस क्या है जी. आप देखेंगे रमजान शरीफ जैसे ही आता है उसमें क्या करते हैं कि वो कमोडिटीज की प्राइस उसको रिड्यूस करते हैं ताकि टर्नओवर इंक्रीज हो और अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट जो मार्जिन है वो अगेन उसको आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेकिन कलेक्टिवली आप जब देखते हैं तो एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर लेती हैं जी ऑर्गेनाइजेशन जी. और डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात होती है जी, इससे पहले जैसे हीको के हवाले से कहा था कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जी, वॉल्स का बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. वॉल्स का डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज गुड, ओमोर का डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज गुड. आप आउटलेट्स के ऊपर जाते हैं जब डिपार्टमेंटल स्टोर्स में आप देखेंगे बहुत सारी जगहों के ऊपर, तो आपको वॉल्स और ओमोर के मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोस्ट ऑफ द फ्लेवर्स अवेलेबल होंगे. बट हीको के केस में जी थोड़ी सी है यू विल फेस डिफिकल्टी, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को उनको इंप्रूव करने की जरूरत है. इकोनॉमिक की बात करते हैं, टेक्नोलॉजिकल है जी, पॉलिटिकल है, कल्चरल है, ये दूसरे स्टिमुलाइज हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे होते हैं जी. इकोनॉमिक अगेन आप किस इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं जी, उसके अंदर एक चीज. टेक्नोलॉजिकल आप ये देख लेते हैं कि जैसे अब आपको वो घर पे जो डिलीवरी एक हो जाती है, तो टेक्नोलॉजिकली किस हद तक जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इस चीज को कैटर फॉर करती हैं जी, वो डिटेल्स उसको. अच्छा, इसी तरीके से टेक्नोलॉजिकल मैं ये कहूंगा जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स है जी, उसको भी यूज किया जाता है, इंटरनेट को एज अ टूल यूज किया जाता है अपने नए ब्रांड्स को शेयर करने के लिए. अच्छा, उसमें कुछ कंपनीज क्या करती हैं, वो कोई नंबर या कोई इंटरेस्टिंग चीज शेयर करती हैं अपनी वेबसाइट्स के, अपने जो सोशल नेटवर्किंग पेजेस हैं उनके ऊपर. वो कहते हैं जी इसका प्रिंट आउट ले आइए या इसका नंबर लिख लाइए, हम आपको डिस्काउंट ऑफर कर देंगे जी. पॉलिटिकल सिनेरियोस होते हैं जी. पॉलिटिकल सिनेरियो जी, जिस मुल्क में जितनी ज्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी उतनी ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, उस इन्वेस्टमेंट की वजह से उतनी ही ज्यादा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लोगों के लिए अवेलेबल होंगी और लोगों की स्पेंडिंग इंप्रूव होगी जी. क्यों? जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो जो पॉलिसीज होती हैं जो उनके अंदर भी स्टेबिलिटी होती है जी, वो लॉन्ग टर्म होती है, कंसिस्टेंट होती है. और जब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है तो फिर वहां पर सिस्टम स्ट्रांग नहीं होते बल्कि वहां पर पर्सनैलिटीज स्ट्रांग होती हैं, और जब पर्सनैलिटीज स्ट्रांग होती हैं तो वो फिर वन मैन शो वाला रोल उसके अंदर आ जाता है. बट लेकिन जब आपके पास सिस्टम स्ट्रांग होते हैं तो उसकी वजह से दोबारा आपको पता होता है ऑर्गेनाइजेशंस को, इन्वेस्टर्स को, कि इस चैनल से हम जाएंगे एंड वी कैन स्टार्ट अ प्रोजेक्ट इन दैट पर्टिकुलर कंपनी जी. बल्कि रिपोर्ट्स आती हैं कि आप कितने दिनों के अंदर किस मुल्क के अंदर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं जी. और वो जितना जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी किसी दौर में एक बात आई थी सामने जी, वन विंडो ऑपरेशन, कि जब इन्वेस्टर्स जाते थे तो वो एक ही विंडो के ऊपर अपने वो तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट कराते थे, सो उनको फैसिलिटेट किया जाए जी वहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. फिर इसी तरीके से हम लोग बात कर रहे थे, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है, तो डेफिनेटली जो इन्वेस्टर है वो कहता है ठीक है मैं आता हूं, मैं फैक्ट्री लगा लेता हूं और फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता हूं. इसमें इंडोनेशिया की एग्जाम्पल बहुत अच्छी है कि जी वहां पर लेबर अवेलेबल है, सो बहुत सारी कंट्रीज क्या कर रही हैं, कंपनीज क्या कर रही हैं कि वहां पर अपने यूनिट्स इंस्टॉल कर रही हैं और वहां पर उस चीप लेबर को के जो बेनिफिट है उसको अवेल करें. ये कल्चरल की भी बात आ जाती है. कल्चर एस्पेक्ट्स कितने ज्यादा
रिच हैं जी, और उसके अंदर कौन कौन से कल्चर्स, जैसे पाकिस्तान में हम लोग डेफिनेटली बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, यहां पर जो लीकवर है जी, उसको डेफिनेटली प्रोजेक्ट नहीं किया जाता जी, बीइंग अ मुस्लिम कंट्री। और इसी तरीके से हमारे पास जो अदर हराम प्रोडक्ट्स हैं जी, उसको भी डिस्करेज किया जाता है जी, वो भी हमें मार्केट्स में अवेलेबल नहीं है। क्यों? मुस्लिम कल्चर है जी हमारे पास। मलेशिया की आप एग्जांपल लेते हैं, जहां पर मलेज हैं जो कि मुस्लिम हैं, चाइनीज उसमें से एक सर्टन पोर्शन जो है वो नॉन मुस्लिम्स हैं, तो वहां पर स्टोर के अंदर उन्होंने पोर्क उसको सेल करते हैं या उसके अंदर अल्कोहलिक ड्रिंक्स सेल करते हैं, लेकिन उसके लिए उन्होंने पर्टिकुलर एक अलहदा से उस सेक्शन बनाया हुआ है, और वहीं से सेक्शन उसको परचेज करते हैं आइटम, और वहीं पर उसको पे भी किया जाता है। वहां पर उन्होंने मेंशन किया होता है जी, रेड बास्केट्स रखी हुई होती हैं कि दीज रेड बास्केट्स आर मेंट फॉर नॉन हलाल प्रोडक्ट्स। तो ये इस तरीके से कल्चरल इन्फ्लुएंसेस आ जाते हैं। कंज्यूमर साइकोलॉजी होती है जी, मोटिवेशन है, परसेप्शन है, लर्निंग, मेमोरी, इसको आगे भी देख लेते हैं। कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स, कल्चर, सोशल, पर्सनल, ये हम लोगों ने अभी पिछली स्लाइड्स में इनको बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस किया है जी। बाइंग डिसीजन प्रोसेस है एंड परचेज डिसीजन प्रोसेस है जी। बाइंग डिसीजन प्रोसेस में प्रॉब्लम रिकग्निशन है, इंफॉर्मेशन सर्च है, वैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, और परचेज डिसीजन, पोस्ट परचेज बिहेवियर जी। मोटिवेशन की बात करते हैं जी, लेट स्टार्ट अवर डिस्कशन विद कंज्यूमर साइकोलॉजी, लेट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मोटिवेशन जी। फ्रूड की बात करते हैं, साइकोलॉजिकल फोर्सेज दैट शेप पीपल्स बिहेवियर आर अनकॉन्शियस जी। पता नहीं होता दैट व्हाई अ पर्सन इज मोटिवेटेड टू परचेज ऑन अ पर्टिकुलर ब्रांड जी। आपकी परसेप्शन डेवलप हो जाती है दैट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, या उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है जी। बाज़ुकात ऐसा भी होता है जी। देयर इज अनदर पर्सन, मेज़लो हायरार्की ऑफ नीड्स है जी। वो कहते हैं जी, अकॉर्डिंग टू मेज़लो ह्यूमन नीड्स आर अरेंज्ड इन अ हायरार्की फ्रॉम मोस्ट टू लीस्ट प्रेसिंग जी। जैसे सबसे पहले बात आती है जी, ये मेज़लो के ऊपर काफी ज्यादा काम हुआ है। आपने डेफिनेटली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, नीड थ्योरी इन्होंने डेवलप की। इन्होंने कहा जी, सबसे पहले हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जो कि हमारी फिजिक से, पर्सनैलिटी से, जो कि हमारी, मैं इसको रिपीट करूंगा, जो कि हमारी फिजिक से रिलेटेड होती है जी। वो हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, कि जी हम लोग क्या करते हैं कि जी वी नीड फूड टू ईट, वी नीड समथिंग, सम ड्रिंक टू ड्रिंक, तो वो तमाम के तमाम फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं। वो कहते हैं जी, एक दफा जब फिजियोलॉजिकल नीड्स हमारी फुलफिल हो जाती हैं, देन वी गो फॉर सेफ्टी। फिर हम कोशिश करते हैं जी, हम अपना घर बना लें और हम उसके अंदर सिक्योर हो जाएं, और या हम ऐसे मेजर्स लें जिसकी वजह से सेफ्टी का जो एलिमेंट है उसको वो हमारी जिंदगी में आ सके। द थर्ड इज सोशल, हम बॉन्ड्स बनाते हैं जी, को वर्कर्स के साथ बनाते हैं हम, और नेबर्स के साथ इस्टेब्लिश करते हैं जी अपनी बॉन्डिंग्स। हम लोग जो रिलेटिव से मिलते जुलते हैं, सो दैट हमारी एक सोशल नीड जो है उसको सेटिस्फाई किया जा सके। देन कम्स जी सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं, रिस्पेक्ट की बात करते हैं जी, रिकग्निशन के सोसाइटी में मैं जाना जाऊं, मैं पहचाना जाऊं। और फिफ्थ नीड होती है जी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जी, यू डिवेलप योर सेल्फ, एंड वंस यू डिवेलप योर सेल्फ तो डेफिनेटली यू कैन बी, ये टॉप लेवल ऑफ नीड होती है जी। और मेज़लो का ये ओपिनियन था कि आप वन बाय वन इन नीड्स को फुलफिल करते हैं, बट लेटर ऑन रिसर्चर सेड कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बल्कि बाज़ औकात लोग फिजियोलॉजिकल नीड से डायरेक्ट सोशल नीड्स की तरफ भी चले जाते हैं, वो सेफ्टी को टोटली इलिमिनेट कर देते हैं जी। तो इसके अंदर बहुत सारी बहस हो चुकी, लेकिन बहरहाल इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट, इसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि दीज आर फाइव काइंड ऑफ नीड्स अकॉर्डिंग टू मेज़लो, जिसमें सबसे पहले हमारे पास फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, सेकंड वन हमारे पास सेफ्टी नीड है, थर्ड नीड हमारे पास सोशल नीड है, फोर्थ वन इज सेल्फ एस्टीम, लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जी। हर्ज़बर्ग ने बात की थी जी, डिवेलप टू फैक्टर थ्योरी दैट डिस्टिंग्विशेस डिससेटिस्फायर फ्रॉम सेटिस्फायर जी। ऐसे फैक्टर्स जो कि आपका डिससेटिस्फेक्शन का बायस बन सकेंगे, वो आपको क्या करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं फ्रॉम सेटिस्फायर्स, कि वो फैक्टर्स जो आपको सेटिस्फाई, जैसे कलर है, जैसे फीचर्स हैं, जैसे अवेलेबिलिटी है,
जैसे उसके आफ्टर सेल सर्विस, ये सारे के सारे वो फीचर्स हैं जिसके बारे में यू फील सेटिस्फाइड जी। आपको पता है कि जी आप सुजुकी कार परचेज कर लेते हैं, टोयोटा परचेज कर लेते हैं, आप होंडा खरीद लेते हैं, तो बहुत आसान है जी, सर्विस सेंटर्स अवेलेबल है। लेकिन आप थोड़ा सा परेशान होते हैं दैट इफ वी परचेज सम इम्पोर्टेड व्हीकल, तो उसकी फिर आफ्टर सेल सर्विस क्या होगी जी? मैं उसको किस तरीके से, अगर मुझे उसको ठीक कराना पड़ गया तो मैं कहां से ठीक कराऊंगा? या मेरे पास जो मार्केट में जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं जी, मैं उनके ऊपर जब स्पेंडिंग करता हूं तो यू फील वेरी कंफर्टेबल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं जी, तो वो तमाम कंपनीज, वो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जिनके आउटलेट्स आपने कहीं गुजरते गुजरते देखा है, या जो पाकिस्तान में मार्जर से फिलिप्स है, जैसे सोनी है, जैसे एलजी है, जैसे सैमसंग है, लेकिन अचानक से कोई और कंपनी आती है जी एक्स वाई जी, वो जैसे जर्मन कंपनीज, वो बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, बट पीपल फील रिलक्टेंट एंड पीपल आर वेरी मच हेजिटेंट इन स्पेंडिंग दोज प्रोडक्ट्स। उनको खरीदते हुए वो थोड़ा सा परेशान भी होते हैं, खराब हो गया भाई ठीक कहां से करवाएंगे, इसका पार्ट नहीं मिलेगा, ये पूरी की पूरी जाया हो जाएगी, ये किस तरीके से? सो दीज काइंड ऑफ कंसिडरेशन आर देयर। देन कम्स ये परसेप्शन की बात आती है, सेलेक्टिव अटेंशन जी, सेलेक्टिव अटेंशन की बात करते हैं। और उसमें ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दैट वॉज रिटन इन द बुक ऑफ फिलिप कॉटलर, 14th एडिशन मार्केटिंग मैनेजमेंट की जो किताब हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके अंदर वो कहते हैं जी, इट इज एस्टिमेटेड दैट द एवरेज पर्सन मे बी एक्सपोज टू ओवर 1500 एडवर्टाइजमेंट्स और ब्रांड कम्युनिकेशंस अ डे। ठीक है, और इसके अंदर आप कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली यू केम अक्रॉस डिफरेंट इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय डिफरेंट कंपनीज रिगार्डिंग देयर प्रोडक्ट्स, but a person gives attention to a very few and screen most stimuli out, a process called selective attention. aapki jo attention hoti hai na ji, wo badi selective hoti hai ji. dobara isme hum jab perception ki baat karte hain, jaise ek bahut bada sign board aap dekhte hain to definitely aap automatically aap attentive ho jate hain। आप बहुत सारे कलर्स को देखते हैं, कोका कोला को देखें एक वक्त में बहुत मल्टी कलर उन्होंने उसको करना शुरू किया, तो डेफिनेटली पीपल गेट मोर अटेंशन टूवर्ड्स दैट एडवर्टाइजमेंट, उसने उनको ज्यादा अपील किया उस एडवर्टाइजमेंट ने। सेलेक्टिव रिटेंशन है जी, परसेप्शन इज द प्रोसेस बाय विच वी सेलेक्ट ऑर्गेनाइज जी एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन इनपुट्स टू क्रिएट अ मीनिंगफुल पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कोका कोला वो डिफरेंट कलर्स शो करते हैं, तो डेफिनेटली हम सेलेक्ट करते हैं कि भाई ये इसके अंदर सेलिब्रिटीज को भी दिखा रहे हैं, इसके अंदर डिफरेंट उसको ग्रुप या कंपोनेंट को उन्होंने कंबाइन किया हुआ है, लेकिन हम कहते हैं यार ठीक है ये जो सेलिब्रिटीज के अंदर है, जैसे स्पोर्ट्स के वो यूज करते हैं, क्रिकेट के जो स्टार्स हैं उनको यूज करते हैं, तो हम उसके अंदर से शाहिद अफरीदी को ले लेते हैं, जो एंटरटेनमेंट सेलिब्रिटीज हैं उसके अंदर से एक पर्टिकुलर पर्सन को सेलेक्ट कर लेते हैं, हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, हम उसके डिफरेंट वो जो सिक्वेंशियल होता है जी उसको हम एक शेप देते हैं, और उसकी बेसिस के ऊपर इंफॉर्मेशन को हम इंटरप्रेट करते हैं जी। इसी वजह से वो ब्रांड एम्बेसडर्स भी दुनिया में बनाए जाते हैं, जिसका एक बुनियादी मकसद ये होता है कि प्रोडक्ट को एसोसिएट कर दिया जाए उन लोगों के साथ जी। सबलिमिनल परसेप्शन होती है जी, सबलिमिनल एडवर्टाइजमेंट है और उसकी बेसिस के ऊपर परसेप्शन डेवलप होती है। सबलिमिनल एडवर्टाइजमेंट एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिनोमिना है। होता यह है कि आप एक ड्रामा देख रहे हैं और उसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि देयर इज अ पर्सन, वो किसी को दिखाते हैं कि जी वो वहां पर काम कर रहे हैं और वो लैपटॉप के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप ये देखते हैं कि जी वहां पर सोनी का लोगो आपको नजर आ जाता है, आप देखते हैं कि देयर इज अ पर्सन हु इज कॉलिंग फ्रॉम अ मोबाइल और वो आईफोन है जी फ्रॉम एप्पल। इसी तरीके से हमारे पास हम ये देखते हैं कि जी वो मार्केट में शॉपिंग के लिए जाते हैं तो एक पर्टिकुलर ब्रांड की शॉप, अब होता यह है कि वो एडवर्टाइज नहीं कर रहे होते, बल्कि आप सिर्फ वो देख लेते हैं कि अच्छा यार ये पर्टिकुलर कमोडिटी, आप वो मैसेज आपके सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो जाता है जी, आप उसको सेव कर लेते हैं और वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे, बट स्टिल उन्होंने प्रोडक्ट को दिखाकर एक मैसेज कन्वे कर दिया, आपको पता चल गया कि उस सिचुएशन के अंदर, उस सीन के अंदर, उस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के साथ दिस कमोडिटी वॉज देयर। और ये चीज मेरा ख्याल बच्चों के यहां बहुत ज्यादा कॉमन होती है कि जब वो मार्केट में जाते हैं तो वो आपको फौरन से दे स्टार्ट टेलिंग द पीप देयर पेरेंट्स
एंड द पीपल हु आर विद देम कि जी ये चीज हमने टेलीविजन के अंदर देखी थी, या देखें ये चीज हमारे पास भी है और यहां पर टेलीविजन के, तो ये आपके पास एक सबलिमिनल परसेप्शन या सबलिमिनल एडवर्टाइजिंग का कॉन्सेप्ट है. देन कम्स ये सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन. इट इज द टेंडेंसी टू इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट फिट्स अवर प्री कंसेप्शन. Consumers will often distort information to be consistent with prior brand and products beliefs and expectations. जी, positive है या negative है जी? तो definitely जो preconceptions आपके ज़हन के अंदर हैं जी, आप पहले से develop कर चुके हैं, आप उसी के अंदर fit in करेंगे. अगर आपने कह दिया जी ये negative है, तो आप उसको फिर negative scenario में ही उसको understand करेंगे. अगर positive है तो जी फिर उसको positive scenario के अंदर उसके बारे हम लोग बात करेंगे. ये कुछ advertisements थी जो net से मैंने उसके अंदर incorporate की हैं जी. सबसे पहले जो advertisement जी, this is a very interesting advertisement, और ये इन्होंने यहाँ पर Audi जो automobile manufacturers हैं जी, उन्होंने किया. Congratulations to BMW for winning वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर 2006. तो अगर आप ये देखें कि अपने कंपेटिटर को मुबारकबाद दे रहे हैं कि जी कार ऑफ द ईयर 2006 BMW, बट उन्होंने उसके अंदर जो कार दिखाई हुई है वो अपनी दिखाई हुई है और उसके नीचे अपनी अचीवमेंट भी दी हुई है कि भाई आपको तो सिर्फ 2006 में मिला, हम पिछले 6 साल से ये अवार्ड लेते आए हैं. इसी तरीके से आप देखें ये रमदान मुबारक जो है, ये सबवे का जो एक एडवर्टाइजमेंट है. एंड देयर इज वन मोर सबलिमिनल मैसेज. आप ये देखेंगे कि ये बिल्कुल उस फॉर्मेट में है जो सबवे का, तो आप देखें कि वो फॉर्मेट उसका सेम है. उसके अंदर ये जो सब का वर्ड है जी, जो सबवे जिसको हम वो उसका ब्रांड नेम सबवे है, तो उसको लिखा हुआ उसका कलर उसका फॉन्ट का साइज वो है, तो जब कोई उसको पढ़ेगा तो उसको फौरन से कन्वे हो जाएगा कि दिस पर्टिकुलर मैसेज इज रिलेटेड टू सबवे. एंड उसके अंदर ये देखें जैसे रमजान मुबारक का भी उन्होंने दिया हुआ है. इसके अंदर दोबारा से मैं आपसे ये बात करूंगा कि हलाल का लोगो इज देयर. हम जो बात कर रहे थे वो जो मल्टी एथनिक कल्चर्स हैं वहां पर, फिर ये हलाल का लोगो जो है जी वो जरूरी हो जाता है जी. नेक्स्ट हम बात करते हैं जी लर्निंग की. लर्निंग इंक्लूड्स एक्सचेंज इन अवर बिहेवियर अराइजिंग फॉर एक्सपीरियंस. मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर इज लर्न्ड ऑल्दो मच लर्निंग इज इंसिडेंटल. लर्निंग थ्योरिस्ट बिलीव लर्निंग इज प्रोड्यूस थ्रू द इंटरप्ले ऑफ ड्राइव स्टिमुलाई क्यूज रिस्पॉन्सेज एंड री इन्फोर्समेंट. जी विद द पैसेज ऑफ टाइम हम जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गैदर करते हैं जी, हमें प्रोडक्ट्स का यूजेज पता चलता जाता है तो हम इंप्रूवमेंट की तरफ जाते हैं जी. तो डेफिनेटली फिर ऑटोमेटिकली वो लर्निंग, भले हम उसको कहें कि जी वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के थ्रू भी हो सकती है, वो जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे होते हैं वो लोग भी एजुकेट करते हैं. वो हमारे एक टीचर थे, वो कहते थे कि मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन है दे केप्ट ऑन टेलिंग मी दैट हाउ टू यूज स्मार्टफोन्स या टैब्स या लैपटॉप्स किस तरीके से यूज किए जाते हैं जी. तो वो फिर उसको लर्निंग को उस कॉन्टेक्स्ट में जी, इसमें सबसे पहली चीज आती है ड्राइव इज अ स्ट्रॉन्ग इंटरनल स्टिमुलस इंपेलिंग एक्शन. क्यूज क्या चीज होती है जी? माइनर स्टिमुलस दैट डिटरमिन व्हेन वेयर एंड हाउ अ पर्सन रिस्पॉन्ड्स. और फिर डिस्क्रिमिनेशन ये एक चीज आ जाती है. मींस वी हैव लर्न टू रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस इन सेट्स ऑफ सिमिलर स्टिमुलाई एंड कैन एडजस्ट अवर रिस्पॉन्सेज अकॉर्डिंगली. जी जैसे भूख लग जाती है जी, तो आप क्या करते हैं कि आपको पता होता है कि यार मैंने किसी जगह के ऊपर एडवर्टाइजमेंट देखा है, आप रोड के ऊपर जा रहे हैं तो आपको फौरन से KFC या मैकडॉनल्ड्स आप देखते हैं कि एक बहुत जो साइन बोर्ड है जो कि बहुत उन्होंने उसको पोल के ऊपर लगाया हुआ है बहुत ऊपर, तो वो दूर से नजर आता है. यू स्टॉप बाय दैट प्लेस या आप यू टर्न लेकर आते हैं उस जगह से उसको, तो वो आपके डेफिनेटली आपको वो स्ट्रॉन्ग इंटरनल स्टिमुलाई डेवलप होता है कि लेट्स गो फॉर सम एक्शन जी, कि लेट्स ईट और लेट्स क्वेंच द थर्स्ट फ्रॉम अ ड्रिंक फ्रॉम दैट पर्टिकुलर. और अच्छा डिस्क्रिमिनेशन ऐसी चीज होती है कि जी जिसमें हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं जी, हम बायस हो जाते हैं. इन सेट्स ऑफ सिमिलर स्टिमुलाई एंड कैन एडजस्ट अवर रिस्पॉन्सेज अकॉर्डिंगली, हमारे लिए फूड फॉर थॉट होती है जो डिफरेंट चीजें, और फिर हम उसको एडजस्ट करते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव के अंदर. ये इमोशंस हैं जी. कंज्यूमर्स डू नॉट ऑलवेज रिस्पॉन्ड कॉग्निटिवली एंड रैशनली. इमोशनल हो जाते हैं जी बाज़ोकात लोग. मैनी रिस्पॉन्सेज कैन बी इमोशनल. ब्रांड्स कैन मेक पीपल फील प्राउड जी. जैसे बात हो रही थी नाइकी की, एडिडास की, जैसे वॉचेस की, रोलेक्स वॉचेस की बात हो रही थी जी.
तो आप ये देखें कि वो ब्रांड्स जब आप यूज करना शुरू करते हैं तो यू स्टार्ट टेलिंग द पीपल दैट आई एम यूजिंग दैट पर्टिकुलर ब्रांड. वो शर्ट के ऊपर छोटा सा उन्होंने हैंगटन का या पोलो का या फिर नाइकी का वो छोटा सा वो बनाया होता है सिंबल, और वो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वो रिफ्लेक्ट करता है दैट आई एम यूजिंग दैट पर्टिकुलर ब्रांड. एक्साइटेड और कॉन्फिडेंट एड्स कैन क्रिएट फीलिंग्स ऑफ एम्यूजमेंट, डिस्गस्ट और वंडर. ये बहुत सारी चीजें. खैर यहां पर एक ये एडवर्टाइजमेंट है जी, दैट देयर वाज अ एडवर्टाइजमेंट विच वॉज प्लेड ऑन पाकिस्तानी मीडिया, और इसके अंदर ऐसा था कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश ये की थी. ये जो फोटोग्राफ, जो फर्स्ट फोटोग्राफ जिसमें देर इज अ फीमेल हु इज होल्डिंग अ मोबाइल फोन इन हर हैंड और उसके अंदर से आपको खून के छींटे निकलते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो उन्होंने उसको ये मैसेज दिया था, पब्लिक सर्विस मैसेज ये दिया था कि जिसके अंदर वो ये चीज एजुकेट करना चाह रहे थे कि जी ड्राइविंग के दौरान जो मोबाइल फोन्स यूज करते हैं वो इट कैन बी डेंजरस फॉर योर फैमिली. और इसी तरीके से दूसरी जगह के ऊपर आप कहते हैं जी वार्निंग टोबैको स्मोक कैन हार्म योर चिल्ड्रेन, के बच्चे जो होते हैं जी बाज़ औक़ात वो आपने गोद में उठाए होते हैं या बहुत क्लोजली उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, इफ समवन इज स्मोकिंग तो वो फिर पैसिव स्मोकर होते हैं, दैट इज नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ. तो इस किस्म के मैसेजेस इस तरीके से लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं सो दैट दे कैन रीथिंक अबाउट देयर बिहेवियर. मोबाइल ड्यूरिंग ड्राइविंग जैसे सुनने का, लोग ब्लूटूथ भी यूज करते हैं और वो हैंड फ्री भी यूज की जाती हैं, लेकिन यूरोप में एक रिसर्च उन्होंने कंडक्ट की थी जिसमें उन्होंने स्ट्रांगली रिकमेंड किया था कि प्लीज डोंट यूज मोबाइल फोन्स ड्यूरिंग ड्राइविंग. आप बिल्कुल भी अटेंड ना करें, हैंड फ्री के साथ भी ना करें और आप ब्लूटूथ वो जो डिवाइसेस के साथ भी ना करें. क्यों? क्योंकि आपका जो थिंकिंग पैटर्न होता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है और उसकी वजह से इट कैन रिजल्ट इन फॉर्म ऑफ सम एक्सीडेंट और समथिंग एल्स. मेमोरी प्रोसेसेस की बात की थी जी, यू स्टार्ट कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन और उसको फिर इनकोडिंग रिट्रीवल जी, इनकोडिंग एंड डीकोडिंग जो की जाती है, इंफॉर्मेशन आप सीख करते हैं, उसको रिसीव करते हैं, डीकोड करते हैं, फिर उसको डिसिमिनेट किया जाता है, ब्रांड एसोसिएशंस हो जाती हैं जी. मेंटल मैप्स की बात करते हैं जी, देन कम्स ये एक हाइपोथेटिकल स्टेट फॉर्म मेंटल मैप दिखाया हुआ है जी, और ये एक इंश्योरेंस कंपनी है जी जिसके बारे में इन्होंने सारी इंफॉर्मेशन कि वो रिस्पॉन्सिव है, कन्वीनियंट है, रेप्यूटेबल है, फास्ट सेटलमेंट है, ये सारी के सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपके माइंड में एक प्रोडक्ट से रिलेटेड आ जाती हैं जी. और वो गुड रेपुटेशन तो वो पॉजिटिव, अभी थोड़ी देर पहले जो आपसे बात हो रही थी कि जब पेरेंट्स एक पर्टिकुलर इंश्योरेंस के ऊपर स्पेंडिंग करते हैं तो ये एक आम ख्याल तासुर ये है कि जी बच्चे भी उसी के ऊपर या जो उनके डिसेंडेंट्स होते हैं वो भी उन्हीं उसके ऊपर परचेज करते हैं. ये एक चीज थी द बाइंग डिसीजन प्रोसेस, इट कंप्राइजेज ऑफ फाइव डिफरेंट स्टेप्स जी, प्रॉब्लम रिकग्निशन है, इन्फॉर्मेशन सर्च है, एवेल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, परचेज डिसीजन एंड पोस्ट परचेज डिसीजन जी. तो ये बाइंग डिसीजन प्रोसेस है जी पूरा, जिसमें सबसे पहले आप क्या करते हैं, प्रॉब्लम रिकग्निशन है जी. जैसे टायर्स फ्लैट हो जाते हैं जी, नॉर्मली जब टायर्स को सेल किया जाता है तो आपका जो रिटेलर होता है या जो भी आउटलेट जहां से आप टायर्स परचेज करते हैं तो वो आपको नंबर ऑफ किलोमीटर्स बता देते हैं. द लाइफ ऑफ दिस टायर इज 60,000 किलोमीटर्स, 60,000 किलोमीटर के बाद यू नीड टू चेंज दिस. तो यहां पर एक पंक्चर हुआ हुआ टायर या फ्लैट टायर दिखाया हुआ गाड़ी का जी, वो कहते हैं कि यू सर्च फॉर डिफरेंट ब्रांड्स जी. हमारे पास जैसे ब्रिजस्टोन है जी, योकोहामा है, उसके अलावा हमारे पास डनलोप, देर आर फ्यू अदर ब्रांड्स, डनलोप है, फ्यू अदर ब्रांड्स ही, और फिर हम उसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करते हैं. वी स्टार्ट कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूटर, सेल्स पर्सन से बात करते हैं और दे केप्ट ऑन एजुकेटिंग अस कि जी ये हमारे पास इसका क्राइटेरिया किसी भी टायर की क्वालिटी को असेस करने का, फिर देन वी सेलेक्ट ओनली वन, और फिर उसके बाद जो फाइनल स्टेज के ऊपर हमें इन्होंने गाड़ी जो हम उसमें देख रहे हैं कि जी इट हैज़ ऑल गुड टायर्स, ऑल टायर्स इन गुड पोजीशन जी. प्रॉब्लम रिकग्निशन सबसे पहले आती है जी, आई एम हंगरी जी, भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है, सो लेट्स गो फॉर, ये एक इंटरनल स्टिमुल आया जी, हंगर जो है ना ये, फिर भूख लगती है तो डेफिनेटली लेट्स गो फॉर टू डाइन आउट जी, खाना खाने कहीं पर चलते हैं. कहां चलें जी, लेट्स गो टू मैकडोनल्ड्स, लेट्स गो टू KFC, हम ऑल्टरनेटिव सर्च करते हैं जी. और फिर एक्सटर्नल स्टिमुल आया, हम क्या होते हैं जी, एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू इंफॉर्मेशन जो हमारे पास होती है जी, कोई हमारा कोई दोस्त, हमारा बहन भाई या वालदैन कहते हैं लेट्स गो टू दैट पर्टिकुलर रेस्टोरेंट जी, वहां की जो फला डिश है जी वो बहुत अच्छी है, तो वो उस तरीके से
प्रॉब्लम रिकग्नाइज होता है कि जिसमें हम लोग हंगर इज अ प्रॉब्लम इज एन इशू जिसको हम लोगों को एड्रेस करना है. इंफॉर्मेशन सर्च है जी, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स हैं जी, बिलबोर्ड्स आ जाते हैं, टेलीविजन के ऊपर आ जाते हैं जी. हम पर्सनली इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं जी कि यार लेट्स हैव समथिंग ट्रेडिशनल जी, लेट्स हैव सम कॉन्टिनेंटल जी, इटालियन है हमारे पास, फास्ट फूड, खाने पीने की बात करते हैं. इसी तरीके से क्लोथिंग की बात करेंगे, कलर्स की बात करेंगे कि जी कितना लॉन्ग लास्टिंग है जी कोई भी हमारे पास जो कपड़े हैं, चीजें हैं. फिर पब्लिक ओपिनियंस भी हम लोग देख लेते हैं. इसके अलावा एक चीज और होती है जी, एक्सपीरियंशियल जी. मैं उस रेस्टोरेंट्स के ऊपर लास्ट टाइम गया था जी, उनकी सर्विस बहुत अजीब है. मैं उस पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाता हूं क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा कर्टियस हैं जी. जैसे सुपरमार्केट में कैल्टेक्स का पेट्रोल पंप है जी, एक्सपीरियंशियल इट मैटर्स अ लॉट. तो वंस आई वेंट टू दैट पेट्रोल पंप, दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग कैंडीज. तो मैंने उसको कहा यार ये आप लोग कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आपकी सेल्स के ऊपर. उन्होंने कहा जी हम बच्चों को जब कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो नेक्स्ट टाइम चिल्ड्रेन पुश देयर पेरेंट्स टू गो टू दैट पर्टिकुलर पेट्रोल पंप. इसका इतना इम्पैक्ट होता है जी. तो उन्होंने कहा जी इसकी वजह से हमारी सेल. तो एक चीज जो बच्चों के थ्रू जिसको मार्केट कर रहे हैं जी, डेफिनेटली आजकल आप जो ओरियो का एडवर्टाइजमेंट है वो भी देखते हैं जी, वो बड़ी प्यारी सी बच्ची है हु इज डिस्कसिंग एंड हु इज टीचिंग हर फादर दैट हाउ टू ईट ओरियो. And he, she, according to that age, she is telling her father that how difficult to eat this Oreo or uske andar. तो वो dialogues, अब automatically क्या होता है कि वहां पर वो market share, एक association develop हो जाती है उन बच्चों के उसमें. Then comes ये आप successive sets involved in consumer decision making. यहां पर जैसे total set जी, हम लोग ये कह देते हैं कि ये हमारे पास तमाम products अवेलेबल है. उसके बाद हम लोग इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं जी. हम ये कहते हैं जी ये तमाम वो ब्रांड्स हैं जिनके बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है थ्रू डिफरेंट सोर्सेज. और थर्ड फेज के अंदर हम ये देखते हैं कि भाई ये जो चार या तीन हमारे पास ब्रांड्स हैं, लेट्स कंसिडर दोज थिंग्स, चॉइस सेट फाइनल हम दो के ऊपर. और फाइनल डिसीजन जो होता है वो फिर सिर्फ एक लैपटॉप या एक कंप्यूटर या एक प्रोडक्ट हम किसी भी ब्रांड का परचेज कर लेते हैं जी. यहां पर आपसे बात होती है जी एवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव. आप चार छह ऑल्टरनेटिव देख लेते हैं. जैसे फास्ट फूड है जी, हम कहते हैं जी बर्गर किंग है, हम कह देते हैं जी मैकडोनल्ड्स है, हम कह देते हैं हमारे पास केएफसी है, हम कहते हैं जी हमारे पास एएफसी है, या हमारे पास और कोई ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है. तो देर आर फाइव ऑल्टरनेटिव वी हैव. हम क्लोदिंग की बात करते हैं, हम कहते हैं जी बोनेंजा है, कैम्ब्रिज है, जीगाइस्ट है, हमारे पास और इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, यंग कॉटन एंड कॉटन है, ये तमाम हमारे पास ब्रांड्स हम ऑल्टरनेटिव्स. उसके बारे फिर हमारे बिलीव्स होते हैं जी. वो बिलीव्स कहाँ से आते हैं, वो फैमिली से आ सकते हैं, सोशलाइजेशन एजेंट से आ सकते हैं, वो फ्रेंड्स उसके बारे में हमारा एक बिलीव, एक हमारा यकीन बना देता है कि जी दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या ये जो ऑल्टरनेटिव हैं जी दे आर द बेस्ट. उसको फिर हम प्लस माइनस हम उसको पॉइंट्स की सूरत में हम देते हैं कि जी उसकी उसको प्रायोरिटाइज करते हैं कि विच इज द बेस्ट जी. और एटीट्यूड्स इधर वी लाइक और इधर वी अनलाइक, ये बड़ा अच्छा है, उन्होंने इसको दिया हुआ है स्टेप्स. ये बहुत अच्छे तरीके से, मैं इसको रिपीट करूंगा जी, ये बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इसको प्रेजेंट किया हुआ है दैट हाउ व्हाट आर द स्टेप्स बिटवीन एवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड परचेज डिसीजन. परचेज डिसीजन लेट्स स्टार्ट विद द एवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव. हमारे पास चार छह ऑल्टरनेटिव आते हैं जी. उसके बाद हम परचेज इंटेंशन मोटिवेशन होती है जी. हम दूसरे लोगों के एटीट्यूड्स को देखते हैं और अन एंटिसिपेटेड सिचुएशनल फैक्टर्स देखते हैं जी. बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम जाते हैं तो क्या होता है कि सेल्स पर्सन बहुत ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड होता है जी मार्केट से, वो कन्विंस कर लेता है आपको. और बाज़ औक़ात हम जाते हैं हमें उसका डिस्प्ले ही अपील नहीं करता जी. बाज़ औक़ात हमें पार्किंग की जगह ही नहीं मिलती जी उस जगह के ऊपर, ठीक है. एट टाइम्स क्या होता है कि हम किसी जगह के ऊपर जाते हैं, हमें वहां पर कोई और दूसरा पर्सन मिल जाता है और वो हमें एजुकेट करता है, नहीं भाई ये ब्रांड नहीं, ये ब्रांड ले लो. तो फिर हम फाइनली परचेज करते हैं जी किसी कमोडिटी को. ये परचेज डिसीजन की बात की उन्होंने, कहा जी फाइव परचेज सब डिसीजन होते हैं. एक ब्रांड होता है जी कौन सा ब्रांड खरीदना, दूसरी डीलर होता है. जैसे आप मार्केट में जाते हैं ना, जैसे सैमसंग है, जैसे हमारे पास हायर है, जैसे हमारे पास सोनी है, इन तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं इनके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स मार्केट में बैठे, ये बहुत सारे ब्रांड्स हैं और इनके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डीलर्स मार्केट में बैठे हुए.
और उन डीलर से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उनसे हम डिस्कशन करते हैं, हम कहते हैं जी एक एक बात जो आमतौर पे कही कि जी आपने घर ले जाना हो तो कौन सी चीज आप प्रेफर करेंगे, वो कहते हैं जी दिस इज द बेस्ट। देन कम्स क्वांटिटी की बात करते हैं, टाइमिंग की बात करते हैं, पेमेंट मेथड की बात करते हैं। दोबारा क्वांटिटी कि अगर आप एक एक छोटी चीज जैसे हम लोग ये वेजिटेबल्स परचेज करते हैं, कन्वीनियंस आइटम्स परचेज करते हैं, तो डेफिनेटली हम इसको बल्क में परचेज कर लेते हैं कि जो रोज रोज मार्केट नहीं जाया जा सकता, सो लेट्स हम पूरे महीने की या एक टिपिकल टाइम पीरियड के लिए हम उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं, सो दैट वी कैन कंज्यूम कन्वीनियंटली जी। और पेमेंट मेथड जी दोबारा से कुछ जगहों के ऊपर कार्ड चार्ज कराया जा सकता है, कुछ जगह अच्छा इंस्टॉलमेंट के अंदर भी हो जाता है जी, जैसे क्रेडिट कार्ड के अंदर वो कहते हैं ठीक है जी इफ यू वांट टू परचेज दैट पर्टिकुलर कमोडिटी आप परचेज कर लीजिए और उसकी इंस्टॉलमेंट में हम लोग आपसे पैसे लेते रहेंगे। देन कम्स जी नॉन कंपनसेटरी मॉडल्स जी, इसको जरा थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं जी। नॉन कंपनसेटरी मॉडल्स जी, कंज्यूमर चॉइस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एट्रीब्यूट कंसिडरेशंस डोंट नेसेसरली नेट आउट जी। इवेल्युएटिंग एट्रीब्यूट्स इन आइसोलेशन मेक्स डिसीजन मेकिंग ईजियर फॉर अ कंज्यूमर जी। हम एट्रीब्यूट्स को इवेल्युएट करते हैं जी। अच्छा अब उसके अंदर क्या कहते हैं, जैसे इसमें जो फर्स्ट इन्होंने फेज दिया हुआ है या फर्स्ट फेज तो नहीं कहना, फर्स्ट चॉइस जो उन्होंने दी हुई है, ये कहते हैं जी कंजक्टिव ह्यूरिस्टिक है, जिसमें क्या करता है कि कंज्यूमर सेट्स अ मिनिमम एक्सेप्टेबल कट ऑफ वैल्यू कि यार मुझे एक प्रोडक्ट से मिनिमम मेरी ये रिक्वायरमेंट है, जैसे ही मुझे वो प्रोडक्ट मिल जाएगी आई विल परचेज इट फॉर ईच एट्रीब्यूट एंड चूजेस द फर्स्ट ऑल्टरनेटिव दैट ही और शी केम अक्रॉस जी। जो उसके मिनिमम स्टैंडर्ड्स को सूट करती है जी वो जब मीट करेगी वो फौरन उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा। सेकेंड केस में क्या होता है, इसको कहते हैं जी लेक्सिकोग्राफिक ह्यूरिस्टिक, और इसके अंदर द कंज्यूमर चूजेस द बेस्ट ब्रांड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स परसीव्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट जी। वो कोई एक एट्रीब्यूट है जी, जैसे टेलीविजन के केस में वो कहता है जी पिक्चर क्वालिटी इज द बेस्ट, वो स्टीरियो के केस में कहता है कि साउंड शुड बी द बेस्ट, वो मोबाइल फोन के अंदर कहता है रिसेप्शन शुड बी द बेस्ट। तो ये तमाम चीजें वो कोई एक क्राइटेरिया सेट करता है, वो कहता है कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा मैं उसको परचेज कर लूंगा जी। एन एलिमिनेशन बाय एस्पेक्ट ह्यूरिस्टिक जी, ये द कंज्यूमर कंपेयर्स ब्रांड ऑन एन एट्रीब्यूट सेलेक्टेड प्रोबेबिलिस्टिकली वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग एन एट्रीब्यूट इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इट्स इंपॉर्टेंस एंड एलिमिनेट ब्रांड्स दैट डू नॉट मीट मिनिमम एक्सेप्टेबल कट ऑफ। तो वो फिर स्टडी करता है जो डिफरेंट ब्रांड्स की जो प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, वो ये देखता है कि कौन सा प्रोडक्ट है जो ऐसे एट्रीब्यूट्स आपको ऑफर कर रहा है जिससे आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। तो जब उसको जैसे ऐसे वो तमाम प्रोडक्ट्स जो उस एट्रीब्यूट के अंदर कमजोर होते हैं, वीक होते हैं, उनको एलिमिनेट करता जाता है। ये पोस्ट परचेज बिहेवियर होता है, पोस्ट परचेज बिहेवियर की हम बात करते चले आए, पोस्ट परचेज सेटिस्फेक्शन है। आप डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, उसके अंदर डिफेक्ट्स आ जाते हैं, बाय द टाइम यू परचेज देयर प्रोडक्ट यू ब्रिंग इट टू योर होम, तो आप ये देखते हैं कि यू आर वो जो स्टैंडर्ड था, वो जो क्वालिटी थी, परफॉर्मेंस है, कंफर्ट, वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, वो आपको अपील ही नहीं करती, तो आप उस ब्रांड की कमोडिटीज को खुद भी परचेज नहीं करेंगे और बाकी लोगों के में भी आप एक उस चीज को शेयर करेंगे जी। आप क्या बल्कि ये दिस इज अ जनरल फिनोमिना जी, जनरल ट्रेंड है, तो नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ उस चीज के बारे में आ जाएगा। यस इफ यू आर सेटिस्फाइड इट इफ इट मीट्स योर मिनिमम एक्सपेक्टेशन, तो होता क्या है कि आप फिर एक कहते हैं स्टे और गो कि यार क्या मैं नेक्स्ट टाइम किसी दूसरी ब्रांड को मैं ट्राई करूं या मैं सेम ब्रांड के साथ ही खुद को एसोसिएट रखो। उसके अंदर फिर कंपेटिटर्स इफ दे आर स्ट्रांग इनफ, अगर उनकी मार्केटिंग कंपेन्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एडवर्टाइजिंग बहुत जबरदस्त है, तगड़ी है, तो वो क्या करते हैं, वो फिर कंपेटिटर के प्रोडक्ट के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन इफ यू आर डिलाइटेड लाइक अ पर्सन शोन इन द स्लाइड, तो भाई फिर आप कहीं नहीं जाते, फिर आप उसी ब्रांड की प्रोडक्ट्स को बार बार परचेज करते हैं। पोस्ट परचेज एक्शंस में फिर क्या होता है कि आप उसी ब्रांड के प्रोडक्ट्स को अगेन एंड अगेन यू स्टार्ट, जैसे हम लोगों ने बात की थी जी डिलाइटेड के केस में कि रिपीटेड परचेजेस होती हैं जी, आप एक पर्टिकुलर ब्रांड की कमोडिटीज को बार बार परचेज करते हैं, आप उसको रेकमेंड करते हैं जी दूसरे लोगों को, आप पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करते हैं, और इफ यू आर नॉट दैट मच सेटिस्फाइड तो फिर इसका नेगेटिव इंपैक्ट आपकी किसी भी ब्रांड के ऊपर होता है। हाउ कस्टमर्स यूज और डिस्पोज ऑफ प्रोडक्ट्स, ये सबसे पहले आता है जी, प्रोडक्ट की बात आती है, गेट रिड ऑफ इट टेम्परेरली,
क्या करते हैं जी, या तो रेंट कर देते हैं या लेंड कर देते हैं, किसी को कहते हैं अच्छा भाई तू इस्तेमाल कर ले, गेट रिड ऑफ इट परमानेंटली जी, गिव इट अवे, आप उसको इस्तेमाल करते हैं और आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अपने छोटे भाई को, छोटे कजन को, किसी रिलेटिव को दे देते हैं, आप उसको कहते हैं जी यू कैन यूज इट, ट्रेड इट। आप मार्केट में जाते हैं, आप कहते हैं भाई ये जो पुराना प्रोडक्ट है ये मेरे से ले लो और मुझे इसके एक्सचेंज में प्लीज गिव मी द अदर प्रोडक्ट, अदर ब्रांड और द सेम लेटेस्ट मॉडल ऑफ द सेम ब्रांड, और मैं एडिशनल अमाउंट उसके आपको पे कर देता हूँ। सेल इट, आप उसको सेल कर देते हैं, थ्रो इट अवे, द वर्स्ट। अगेन जो आपके पास जैसे कन्वीनियंस आइटम्स हम बात करते हैं ना जी, कैन ऑफ पेप्सी की बात करते हैं या हम लोग और डिफरेंट जैसे कपड़ों की बात कर लेते हैं, तो हम उसको फिर डिस्पोज ऑफ। अच्छा इसमें भी एक चीज और आती है, थ्रो इट अवे। जैसे डेवलपिंग नेशंस होती हैं वो क्या करती हैं कि वहां पर जो लोग हैं वो अपने पुराने कपड़े या अपनी पुरानी चीजें वो जो लो इनकम ग्रुप है वो उन लोगों को दे देते हैं जी, जबकि डेवलप्ड नेशंस के अंदर वो उसको फिर गार्बेज में फेंक देते हैं और उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं जी। और हमारे पास अगेन जी इसमें कीप इट, यूज इट टू सर्व फॉर ओरिजिनल पर्पस, कन्वर्ट इट टू सर्व अ न्यू पर्पस, स्टोर इट जी। वो हमारा एक दोस्त था, उसके पास वो मोबाइल फोन था, एक स्मार्टफोन, तो वो उसने काफी ज्यादा यूज किया। ही सेड दैट आई एम नॉट, अब मुझे, मैंने काफी ज्यादा इस्तेमाल कर लिया तो मैं सोच रहा हूँ उसको क्या करूं, मार्केट में जाता हूं मुझे इसकी प्राइस नहीं मिलेगी। तो किसी ने उसको कहा अच्छा यार आप इसको अपने पास एडिशनल वो रख लीजिए और इसको आप वाईफाई के साथ कनेक्ट करके यू कैन यूज इट इट एज अ, वो वाईफाई की जो डिवाइस होती है आप उसके तौर के ऊपर उसको यूज कर सकते हैं जी, और स्टोर इट आप अपने पास संभाल के रख लेते हैं जी किसी जगह के ऊपर। जैसे बहुत सारे लोगों ने क्या किया हुआ है, मोबाइल फोन अपने पास एक्स्ट्रा एक या दो रख लेते हैं कि अगर एक खराब हो जाता है वो फिर दूसरा वो जो पुराना होता है उसको यूज कर लेते हैं जी फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जी। मॉडरेटिंग इफेक्ट्स हैं जी, लो इन्वॉल्वमेंट, जितने ज्यादा कन्वीनियंस आइटम्स है उसके लिए हमें लो इन्वॉल्वमेंट, कम इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट का आप कहेंगे कि एक्सपेंसिव होती जाती है उतनी ज्यादा वर्किंग की जरूरत पड़ेगी। जैसे वैरायटी सीकिंग जो होता है जी, जैसे हम बिस्किट्स के एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, बहुत सारे बिस्किट्स के, जैसे हम प्रिंस है, ल्यू है, हमारे पास जैसे ओरियो की अभी बात हो रही थी, और डिफरेंट कंपनीज ब्रांड्स के बिस्किट्स अवेलेबल है, तो हम क्या करते हैं फिर हम उसके ब्रांड्स को चेंज करके देख लेते हैं कि लेट्स चेंज द ब्रांड, और हम उसका टेस्ट या उसको देख लेते हैं कि वो किस हद तक हम लोग उसको पसंद करते हैं या उसको लेट्स एक्सपीरियंस दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट जी। This is something about that, how we analyze consumer market. Student, I am really grateful for your time, for your patience, and I hope that you understand what we discuss. Thanks a lot, ji. Assalamualaikum. Inshallah, meet you next time with a new topic, ji. Allah Hafiz.